हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आई होप मेरी आवाज़ सबको साफ आ रही होगी, एंड इफ नॉट तो आई शुड चेक। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस इनोवेटिव एंड वंडरफुल सेशन में, जो हमारे अपलायंस, हमारी लीडरशिप हम लोगों के लिए एक बहुत ही यूनिक सेशंस लाती है। और आज की ज़रूरत के हिसाब से, जो जिस तरफ पूरी दुनिया हमारी जा रही है, टेक्नोलॉजी का जो विस्फोट हो रहा है हमारे चारों तरफ, यू नो, सोशल मीडिया एंड मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स, सब सारी सारा काम एक वर्क डेस्क पे आके हो बैठ गया है। हम अपने घर से न जाने कहाँ कहाँ जा सकते हैं। एंड इस बिजनेस को जो कोरोना से पहले फिजिकली सब कुछ होता था, सारी मीटिंग्स होती थी, होम मीटिंग्स होती थी, लोग मिलते थे आपस में, और कोरोना के 2 साल में ये बिजनेस भी काफ़ी हद तक सिमट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गया था। नाउ वी आर फेसिंग बोथ द थिंग्स, फिजिकल भी है, डिजिटल भी है। लेकिन हम सबके मन में जो एक बहुत बड़ी जो एक क्यूरोसिटी रहती है कि किस प्रकार से इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का हम बेस्ट से बेस्ट फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आज का पूरा सेशन उसी के अराउंड फोकस्ड है। एंड हमारे जो स्पीकर्स हैं, दे आर वेरी प्रोफेशनल लोग हैं दोनों, और दोनों एक्सपीरियंस्ड हैं इस बिजनेस में, हम सब उनको जानते हैं भली भांति। और इस सेशन को शुरू करने से पहले आप लोग सब लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना ज़्यादा क्यों बोल रहा है, तो अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि जिनसे हम सब लोग मिलना चाहते हैं और उन सब की हम सब उनकी बात सुनना चाहते हैं, एंड आई वुड रिक्वेस्ट आर लीडर आलोक उपाध्याय सर टू प्लीज टेक द स्क्रीन एंड इस सेशन को शुरुआत करें। थैंक यू आनंद, थैंक यू। हाई एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम आलोक उपाध्याय है और वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन, है ना। और आज ये पहली बार हम लोग ये सेशन कर रहे हैं, क्योंकि आनंद ने बताया कि कहीं ना कहीं पिछले 2-2.5 साल में ये बिजनेस फिजिकल से डिजिटल की तरफ आ गया, और अभी अगले 3-4 महीने में ये फिजिटल होने वाला है ना, क्योंकि नॉर्मली अभी मास्क वगैरह उतर ही गए ज्यादातर लोग के जो है ना, और फिजिकल जाने को तैयार है हम लोग, लेकिन अभी भी पूरी दुनिया जो है वो तैयार नहीं है उस तरीके से। आप समझ रहे होंगे इस चीज को, है ना। मतलब क्योंकि एक कंफर्ट होता है ना, घर में बैठ के या ऑफिस में बैठ के या अपने बेडरूम में बैठ के हम लोग जो चीज अटेंड कर सकते हैं, उसके लिए स्पेशल बाहर जाना, कम्यूट करना, और उसके बाद फिर यू नो वो थोड़ा सा अभी और लगता है, करना शुरू किया है लोगों ने, बट स्टिल पीपल आर हेजिटेंट, है ना। लेकिन आज ये फिजिकल डिजिटल की बात नहीं होगी, आज जो बात होगी आज बहुत स्पेशल टॉपिक हम, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया हमारी प्रोस्पेक्ट हो सकती है यदि हम सोशल मीडिया को समझने में कामयाब हो गए। तो आज ये तो समझ में आ गया सबको, क्योंकि कम्युनिटी की बात कर रही है सारी कंपनियां जो है ना, MVP कम्युनिटी की बात करती है ना, सब बोलते हैं सोशल मीडिया के थ्रू आप बिजनेस कर सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा एक ही रहता है, ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सोशल मीडिया के थ्रू कैसे प्रोस्पेक्टिंग की जा सकती है। देयर आर 3 टाइप ऑफ पीपल। पहली तरह के वो लोग हैं जो सोशल मीडिया में जाते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया का एक खुद प्रोडक्ट बन के रह जाते हैं, है ना। दे आर जस्ट कंज्यूमिंग दी यू नो जो भी मिल रहा है। दूसरी तरह के लोग वो हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू प्रोस्पेक्टिंग करने की कोशिश की, अपना ये जो नेटवर्क हमारा है एमवे का नेटवर्क है, इसको बढ़ाने की कोशिश की। उसके लिए नेचुरली पहली चीज होती है कि प्रोस्पेक्टिंग करें हम, है ना, हम कुछ लोगों को कांटेक्ट करें, कनेक्ट करें उन लोगों के साथ में, और फिर जब वो तैयार हो जाए, जब हम सेम पेज पे आ जाए, तो फिर हम उनको अपॉर्चुनिटी दिखाएं, जैसा कि हम अपने फ्रेंड नेबर रिलेटिव में दिखाते हैं। तो ये तो मानेंगे दोस्तों हम लोग कि हमारे फ्रेंड नेबर रिलेटिव कितने होते होंगे, सबको जोड़ोगे 1000 से 2000, ये रिसर्च बता रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं होता, मैक्सिमम 5000 पीपल, बहुत ज्यादा सोशल नाम, बस 5000। 130 करोड़ में से 5000 हटा देंगे तो 130 ही करोड़ बचेगा, नहीं? क्या लगता है, कोई कैलकुलेशन कर सकता है, 130 करोड़ में से 5000 हटा दीजिए, कितना बचेगा, उतना ही बचेगा 130 करोड़। इसका मतलब ज्यादा लोग कहां पर हैं, जो हमारी फोन बुक में है या बाहर, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बाहर है। पर चैलेंज क्या है बाहर वालों के साथ, कि ना हम उनको जानते हैं ना वो हमको जानते हैं, क्यों विश्वास करेंगे, क्यों बात करेंगे। तो यहां पर आता है फेसबुक, यहां पर आता है लिंक्डइन, यहां पर आता है इंस्टाग्राम, जहां पर हम बिना बात किए भी एक दूसरे को जान लेते हैं प्रोफाइल के, है ना, एक आइडिया लगा लेते हैं हम।
क्या पोस्ट कर रहे हैं आप, किस तरीके से होता है कि नहीं होता है ना, वो ऐसा जरूर हो सकता है आपका कि फेसबुक में आपके कुछ ऐसे लोग भी जानकार हों जिनको आप पर्सनली कभी नहीं मिले, है ना, कुछ लाइकिंग्स हम लोग एक साथ मिल गई, एक तरीके के दिख गए, किसी को आपकी पोस्ट अच्छी लग गई, वो आपको लाइक करने लग गया, यू नो दिस वे। तो हमने देखा है कि इन पिछले 2-2.5 सालों में बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे एमवे बिजनेस को कर रहे थे वो लोग बाहर निकले और सोशल मीडिया के थ्रू, और उन्होंने कम्युनिटी डेवलप किया और उसके बाद उनकी बड़ी बड़ी पिने होने। तो हमने भी सोचा पहले ये पीछे वी वर ऑल्सो रिलक्टेंट कि यार नहीं यार कैसे होगा, है ना, कोई आ भी जाएगा तो उससे बात भी कर लेंगे तो वो ट्रस्ट कैसे हम लोग ला पाएंगे उस चीज के ऊपर। तो लेकिन अभी हम लोगों ने देखा है हमारे पास 2 एक्सपर्ट्स आज यहाँ पर हैं, दे आर चैंपियंस यहाँ पर, है ना, और दोनों डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से हैं, है ना, नाम तो सबको पता ही है, हमने आपको फ्लायर में डाल दिया था, राइट, फोटो भी आपने देखी है, इनफैक्ट दोनों को ही आप सब लोग जानते हैं, है ना। तो हमारे अपने हैं डॉक्टर नलिन मिश्रा, फाउंडर एंड्रॉयड लेवल पे हैं, है ना, एक ह्यूमंगस बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस उनका है, और वो एक सर्जन भी है, है ना, इज MBBS MS, है ना, और अपने प्रैक्टिस कर रहे थे, और जिनको हम लोग बोलेंगे कि मतलब कहीं ना कहीं आमतौर पे बहुत सक्सेसफुल हम बोलेंगे उनको अपने फील्ड में, एमवे में भी और वहां पर भी। और ऐसे ही जो दूसरे स्पीकर हमारे साथ होंगे जो एक्सपर्ट हमारे हैं वो हैं अंकित कुमार, दिल्ली से हैं, है ना, थोरो बिजनेसमैन, है ना, उन्होंने बिजनेसेस ही किए हैं, जॉब कभी नहीं, है ना, बहुत अलग अलग तरह के बिजनेसेस उन्होंने किए हैं, वो अभी बताएंगे आपको अपने प्रोफाइल के बारे में, राइट, और बिल्कुल अलग तरह के हैं, मतलब यदि मैं दोनों पे कंपैरिजन करूँ तो बिल्कुल 2 अलग अलग तरह के लोग होंगे, पर्सनैलिटी, एज के हिसाब से भी, एडुकेशन के हिसाब से भी, हर तरीके से, है ना, हाँ माइंडसेट लगभग एक हो जाता है क्योंकि जब आप सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो भी फाउंडर प्लैटिनम लेवल पे हैं, उनके नीचे भी फाउंडर प्लैटिनम है और बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं। तो इन दोनों को ही हमने क्यों लिया, पहली चीज कि दोनों लोग बहुत अच्छी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, और दूसरी चीज कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी को वो कन्वर्ट करने में कामयाब। तो दोनों की अपनी अपनी फोटो है, तो आज हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, हम दोनों से बात करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा इन लोगों से जो जनरल क्वेश्चन होंगे जो मुझे आए हैं लीडर्स के थ्रू, और उसके बाद उसमें जनरल क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए ये दोनों दोनों लोगों के लिए सेशन होगा, एक उन लोगों के लिए भी जो सोशल मीडिया में कुछ कर रहे हैं, है ना, और दूसरी तरह के वो लोग जो सोशल मीडिया से दूर है, मतलब सोशल मीडिया में सिर्फ फेसबुक यूट्यूब तक है, है ना, उनको नहीं पता लिंक्डइन भी क्या होता है, उनको नहीं पता और इस तरह के और प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, मतलब बेसिकली वो सोशल मीडिया को यूज तो कर रहे हैं लेकिन वो प्रोस्पेक्टिंग के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। तो उनको हम इनकरेज करेंगे कि आप सीखिए कैसे किया जा सकता है, इसकी एक फॉलो अप मीटिंग भी हम लोग रखेंगे 15-20 दिन के बाद, है ना, जहां पर हम देखेंगे किसको फायदा हो रहा है और जो फर्दर क्वेश्चन आपके होंगे, राइट। तो पहली तरह के लोग तो जैसे मैंने बताया, दूसरी तरह के लोग वो हैं जो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, है ना, लेकिन उनके साथ दिक्कत यह है कि वो प्रोस्पेक्टिंग तो कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग भी हो जा रही है लेकिन कन्वर्जन नहीं हो रहा, दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट देम इनटू योर पीसीज और ADSs, है ना। और तीसरी तरह के वो लोग हैं जो लोग कन्वर्ट भी कर पा रहे हैं। तो ये दो लोग जो हैं ये तीसरे वाले लोग हैं, और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग फर्स्ट और सेकेंड लेवल है, है ना, इनफैक्ट मैं अपने को देखूं तो मैं भी अभी फर्स्ट लेवल पे हूं, है ना, मैं बहुत सोशल मीडिया में रहता हूं, आप देखते होंगे बहुत सारे मेरे मैसेजेस, बट मैंने अभी तक कभी प्रोस्पेक्टिंग नहीं की उसके, तो मैं भी आज बहुत कुछ सीखने वाला हूं इन दोनों एक्सपर्ट से, है ना, और नेचुरली आप में से कई लोगों के बारे में हमें पता चला है कि जो लोग ऑलरेडी सोशल मीडिया में हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, बट वो कहीं स्टक है किसी एक जगह। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, ये जो सेशन जितनी भी देर का हमारा दोनों का क्वेश्चन आंसर जो होंगे, उसके बाद हम एक AMA सेशन रखेंगे, दैट इज कॉल्ड आस्क मी एनीथिंग सेशन, जो इसी के बाद में लास्ट में होगा, जिसमें आप हाथ उठाएंगे, जिसको कोई क्वेश्चन होंगे कुछ भी, है ना, आस्क मी एनीथिंग मींस यू कैन आस्क एनीथिंग अबाउट, है ना, डेफिनेटली हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि इसी से टॉपिक पे ही हम लोग रहे, तो आप जो भी पूछेंगे, राइट, तो उसका जवाब हम इन दोनों एक्सपर्ट से लेंगे, और बिल्कुल आज हम जरूर चाहेंगे कि यहाँ से आप कुछ ना कुछ अलग तरीके से जो कम्युनिटी बिल्डिंग की बात की जा रही है उसकी या तो शुरुआत करें और या फिर हम वो उसको डेवलप करने में कामयाब रहें, राइट। तो सब तैयार है मेरे ख्याल से, राइट। देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि मीटिंग शुरू होने से पहले 100 लोग आ गए, यूट्यूब में बहुत सारे लोग आ गए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सब लोग तैयार है, और इसीलिए रात को रखा गया है सेशन 9 बजे से, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो मैं चाहूंगा क्या आनंद, ऐसा हो सकता है तीनों लोग आ जाए स्क्रीन में, इफ इट इज पॉसिबल, और बड़े अच्छे अच्छे लोगों को मैं देख रहा हूँ, मुर्तजा जी हैं, अजीत हैं, संजीव जी हैं, राइट, नरेंद्र सर हैं, ममता मैम हैं, राइट, प्रियंका जी हैं, डॉक्टर प्रियंका, राइट सर, आरएस
अंकित सर का आईडी कौन सा है, मैं उनको ट्रेस सुबीना माथुर, सुबीना माथुर, सुबीना माथुर, नहीं दो आईडी होंगे उनके। इफ यू कैन जस्ट रेज हिज हैंड, उनको मैं स्पॉटलाइट कर दूंगा। अंकित कैन यू प्लीज रेज योर हैंड, जो आपका एप्पल वाला है उसमें। राइट देन विक्रांता इज देयर, विक्रांत इज देयर, रिजवानजी है, वाओ नितिन इज देयर, सयाना जी, गॉट हिम गॉट हिम, सपना जी, पद्मा जी, राइट किसका नाम ले, किसका नाम ले, राइट और बाकी सारे लीडर्स है ना, मुझे पता है सब लोग बड़ा बड़ा बिजनेस बनाने वाले हैं, राइट बिल्कुल। एक बार आ जाते हैं स्क्रीन में हम लोग, या तो तीनों लोग हम आ जाए, यदि तीन नहीं आ सकते तो ये दोनों एक्सपर्ट स्पीकर्स को यदि हम ले आएंगे उसमें तो कोई तीनों आ गए सर, स्पीचेस आ गए तीनों, या ग्रेट। और आप लोग जो है अपने ग्रुप में कहीं पर ऐसा है जो लोग एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको बोल सकते हैं यूट्यूब में आप आ जाएं, तो वी आर रिकॉर्डिंग आल्सो, है ना, क्योंकि ये देखिए ये ना सुनने की चीज नहीं होगी, अब जो आगे बात होगी ये सीखने समझने की चीज होगी, राइट, तो इसको बार 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 देखना होगा, हम लोग को सुनना समझना होगा इसको, क्योंकि एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे ये दोनों लोग, एक दिन में नहीं बने, है ना लेकिन हाँ एक दिन में डिसीजन जरूर ले सकते हैं, बोलते हैं ना एक दिन में बहुत कुछ नहीं हो सकता है लेकिन एक डिसीजन तो लिया जा सकता है, राइट। सो आ गए हम लोग तीनों लोग आ गए इसमें, तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा इसमें, मेरे को तो अंकित दिख रहे हैं खाली से, या तो मैं फोन में हूँ इसलिए ऐसा हो रहा हूँ। सर स्पीकर व्यू में जाओगे ना आप, स्पीकर व्यू में, स्पीकर एक गैलरी व्यू है, एक स्पीकर व्यू है, तो उसमें। अच्छा ये कहाँ पर होता है थोड़ा मेरे को बताओ, लेफ्ट कॉर्नर टॉप व्यू जहाँ लिखा है सर, ये फोन में भी आता है क्या, तीनों है सर फोन में, तो आप हटा देंगे सब तो ये दिखेगा स्पीकर वाला, बस अच्छा। चलिए कोई बात नहीं, मेरे को इसमें नहीं दिख रहा, कोई इशू नहीं है। चलिए तो मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन की हम लोगों को जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया दोनों को हम जानते हैं स्पीकर्स को, है ना, और यहाँ पर हम सबसे पहले बात शुरू करेंगे कि यदि कोई सर बिल्कुल नए लोग हैं, मतलब जिनको ये तो पता है कि सोशल मीडिया होता है, तो किस तरह से हम लोग अपना प्रोफाइल बनाते हैं और किस तरीके से हम लोग मतलब कैसे करके कॉन्टेक्ट करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बट मैं बिल्कुल ये सोच के बात कर रहा हूँ कि हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, है ना, तो हाउ डू वी प्रोस्पेक्ट, लाइक कैसे कैसे अपनी बात को कैसे रखते हैं कि सामने लोग आए, क्या वो लोग आपका प्रोफाइल देख के खुद आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं या आप उनको कोई मैसेज भेजते हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो डॉक्टर नलिन, आई वुड लव टू हेयर यू फर्स्ट, और फिर डॉक्टर मिश्रा के बाद फिर मैं चाहूंगा कि सेम क्वेश्चन को अंकित भी हैंडल करें। जी सर, गुड इवनिंग एवरीवन एंड थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन दिस सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे नया सब्जेक्ट है और सबके जहन में है, एवरीबडी इज ट्राइंग फॉर दैट, तो उसके बारे में बोलने का मौका मिला है। एक्चुअली सर ये कई सारे सोशल मीडिया हैं जिनके ऊपर लोग जा रहे हैं, तो मैंने भी फेसबुक पे मेरी तो बहुत दिनों से थी आईडी बनी हुई थी, इंस्टाग्राम पे भी थी, लिंक्डइन पे भी थी, बट आई वाज मेनली एक्टिव ऑन फेसबुक, जहां पर हम अपनी लाइफ से रिलेटेड पोस्ट वगैरह डाला करते थे, लोग उसको अप्रिशिएट करते थे, पर बिजनेस का कुछ वहाँ डालते भी नहीं थे ना, बिजनेस का कुछ ये था, जो लोग जानते थे कि डॉक्टर साहब एमबे करते हैं वो कॉन्टैक्ट करते थे चीज़ों के, अबाउट सम प्रोडक्ट, अबाउट सम अपॉर्चुनिटी, और ये चल रहा था शुरू से भी, इवन बिफोर लॉकडाउन, और जब लॉकडाउन हुआ तो देन आई थॉट टू बी एक्टिव, क्योंकि पहले हम प्रोस्पेक्टिंग क्या करते थे, कहीं मॉल में गए, मार्केट में गए, रेलवे स्टेशन पे गए, कहीं भी गए, लोगों से मिल रहे हैं तो हाथ मिलाते थे, अपना एक्सचेंज करते थे नाम, टेलीफोन नंबर, ये सब, बट दिस ऑल स्टॉप्ड। तो फिर जब ये सब बंद हो गया तो ये समझ में आया कि आखिर वो लोग तो हैं कहीं ना कहीं, बट मिलेंगे कहाँ, तो मिलेंगे वो सोशल मीडिया पर, तो फिर थोड़ा सा और एक्टिव हुए फेसबुक पर, फिर मैं गया, फिर इंस्टाग्राम पे भी अपनी प्रोफाइल वगैरह ठीक से बनाई, पहले तो यूं ही थी, तो देन आई रियलाइज आउट ऑफ ऑल दिस सोशल मीडिया की फेसबुक पर तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद, ये मेरा अपना ओपिनियन है और मैं सबको पहले क्लियर कर दूं कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूं चीज़ों को, और आज के डेट तक जो मेरा इंप्रेशन है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, हो सकता है 2 महीने बाद मेरा जो आज मैं बोल रहा हूँ यही चेंज होगा, आई डोंट नो। तो फेसबुक पर मुझे लगा कि ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर केवल टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दे आर प्रोबेबली नॉट सीरियस अबाउट एनीथिंग, तो आप वहाँ पर एक अपना बना सकते हैं, एक लोगों का
मतलब एक आपकी इमेज वहां बन सकती है एंड आई डोंट नो उसका क्या होगा, बट इंटरेक्शन पर वहां पता लगा कि ज्यादातर लोग किसी सीरियस काम के बजाय किसी और चीज की वजह से आपसे जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो गप लड़ाने की हो, चाहे वो देखे भाई डॉक्टर साहब हैं चलो कभी काम आएंगे। तो देन आई वॉज नॉट वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट बींग ऑन फेसबुक। फिर इंस्टाग्राम पे मैंने देखा तो इंस्टाग्राम पर भी जो इस समय जो मुझे लगता है कि जो वहां पर पॉपुलेशन है वो मेनली फन लविंग है, उनको मौज मस्ती पसंद है, बढ़िया वीडियो बनाइए जिसमें खूब मजा आए खूब हंसी आए तो वो आपका पॉपुलैरिटी है। पर कुछ चीज़ें हैं जो वहां पर, जैसे हमारी टीम में आशा मिश्रा जी हैं तो वो बढ़िया रेसिपी वाली डालती हैं और फिटनेस का वो डालती हैं, तो उन सब का कुछ है ज़रूर। तो मेरे साथ क्या था कि मैं ना रेसिपी वहाँ लेके जा सकता था ना फिटनेस लेके जा सकता था। तो बीइंग अ डॉक्टर वर्किंग ऑन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फाइनेंशियल फ्रीडम और एक न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, तो फिर देन आई वेंट ऑन लिंक्डइन और लिंक्डइन पर मैंने पाया कि वहाँ पर जो लोग हैं अगर हम पूरी पॉपुलेशन को अगर ग्रेड करना चाहें तो वो एक समझ लीजिए एक सिलेक्टेड लॉट है हमारे लिए, सिलेक्टेड लॉट इन द सेंस कि दे आर आइदर लुकिंग फॉर वर्क और दे आर वर्किंग एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर डिस्कसिंग अबाउट देयर एम्प्लॉयमेंट डिस्कसिंग अबाउट देयर जॉब कंडीशंस डिस्कसिंग अबाउट फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इन लाइफ, ये सब चीज़ें वहाँ हो रही हैं। तो फिर सीरियसली वहाँ पर मैंने किया और मैंने किया क्या, एक मैंने प्रोफाइल बनाई सर, आई विल लाइक टू शेयर दैट प्रोफाइल विद ऑल ऑफ यू सर, कर सकता हूँ ना सर मैं? Can everyone see? Yes. ये देखिए मेरी है प्रोफाइल, इसमें मैंने क्या लिखा, जनरल सर्जन एंटरप्रेन्योर वेलनेस एजुकेशन। जनरल सर्जन तो मैं हूं ही बाई प्रोफेशन बहुत सालों से, और अभी मैं एंटरप्रेन्योर हूं बिकॉज आई एम डूइंग एमवे बिजनेस, और वेलनेस एजुकेशन का मैं एक्सपर्ट अपने को कह सकता हूं बिकॉज मेडिकल फील्ड से हैं और चीज़ों को हम एज कम्पेयर टू अदर्स थोड़ा और इजीली समझ सकते हैं जब मेडिकल टर्मिनोलॉजी वगैरह आती है, तो आई एम इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड एंड देयरफॉर इन अ बेटर पोजीशन टू टॉक टू पीपल अबाउट दैट। फिर नीचे मैंने लिखा है टॉक्स अबाउट वेलनेस एंड हार्टफुलनेस। हार्टफुलनेस हमारा दूसरा एक एरिया है जहाँ पर हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के थ्रू लोगों को हेल्प करते हैं, और ये हमारे इलाहाबाद कॉन्टैक्ट इन्फो वगैरह है। अब इसमें एक्चुअली जो मैंने किया क्या है यहाँ पर सर, यहाँ कहीं एमवे का नाम नहीं लिखा मैंने और प्रोफाइल में कहीं है भी नहीं मैं एमवे करता, बिकॉज किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि डॉक्टर साहब अगर आप एमवे लिखेंगे तो शायद आपका जो प्रोफाइल है जो आपका जो भी आपके वो हैं वो पीछे छिप जाएंगे, और बहुत से लोग सिंस दे आर ऑल प्रेजुडिस्ड अबाउट एमवे तो हो सकता है वो आपको भी वो उसी में करेंगे अरे छोड़ो ये, तो इसलिए आप उसको पीछे रखिए और अपना एक पर्सनैलिटी आगे रखिए। जब आपके कनेक्ट कोई होगा आपके कनेक्शन में जब आएगा फिर जब उसको पता चलेगा देन प्रॉब्ली वो बेटर रहेगा। तो आई मुझे भी वो ठीक लगा तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है और मैं करता क्या हूँ यहाँ पर आप देखिए, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। यहाँ पर मैं मेनली करता हूँ पोस्ट एंड एक्टिविटी, बीच बीच में कुछ पोस्ट करते रहता, जैसे अभी मेरी लेटेस्ट अगर आपको पोस्ट में दिखाऊँ अपनी, कहाँ गया मेरी हाउ टू फाइंड माय पोस्ट, इसमें इतना रोज रोज चेंज हो जाता है कि हाँ ये रहा शायद ये डीजल में पोस्ट, जिसमें आप देखेंगे सर किसी ने एक वीडियो डाला वन ईयर आफ्टर यू ट्रेन दे लीव, so that has been a big challenge which okay. we are still trying to address. Yeah. We are thinking of looking at some kind of a retainership at least 3 years. Won't work. I don't know. So I'm just saving you time. Yeah. Okay. Fine. Yeah. So that's why I was just trying to figure out how do we do this. So I want you to understand this. The world of business has seen 3 generations: the industrial revolution, the information revolution, and now we are in this revolution called the social revolution. Industrial revolution, people took a job for survival. They wanted basic necessity of roti, kapda, makan. So they went in
and they worked in a workplace and they didn't leave that workplace, even if the boss was abusive and even if the boss would physically beat them up, people would not leave. That was the era of bosses always right. Yeah. Because opportunities were less. Yeah. That is pretty much the grandparents of today's workforce. Then came the information revolution, where all these IT companies, brands started building. And the workforce then came to work, not for survival, because their parents took care of survival. This workforce went to work for standard of living. Basically, get a good enough salary to pay the house EMI, the car EMI, children's education loan. Pretty much your generation. You went to work for that, for standard of living. Absolutely, yeah. Now, in this generation, loyalty reduced. Now, the truth is that loyalty never existed in the first place. Loyalty didn't exist. There was no option. This generation, information revolution, got option. If they got a better quality of workplace and they got a better pay, then people would jump a job, right? Now, this was the information revolution. Then came the third revolution. After 2008's recession, information revolution died. Today, information is available for free. You can learn coding on YouTube. You don't have to, it's no longer a hidden knowledge. So, you need to understand, now we live in a digital revolution or a social revolution where everything is social, which means today's workforce, they don't care about survival. Their grandparents took care of that. They don't care about standard of living. Their parents took care of that. Even the labor does not care about standard of living anymore, because even labor has Dish TV and Tata Sky in their house. So if you'll say, I'll cut your pay, or if you'll say, I'll bind you with a contract, they will say, thank you so much, I'm finding another job. Today's workforce needs something else. They want quality of life, not standard of life. Standard of life, parents took care. Today's workforce is thinking quality of life, which means quality of workplace, which means quality of job, quality of environment, quality of role, opportunity, learning and rewards, all of that. Unless you don't have a mechanism for that, you will always grapple with this retention. So the bigger challenge for us is how do you retain people? Mm-hmm. Because many a times the freshers, when they come in, within 6 months, 1 year after you train, they leave. Yeah. So that has been a big challenge which we are still trying to address. Sir, तो ये जो वीडियो है इसमें आप देखिए ये इनसे पूछ रहे हैं कि how to retain the employees और ये उसका एक solution बता रहे हैं. तो मुझे मौका मिला, मैंने इसमें अपना भी एक यहाँ पर डाल दिया. इसको मैं एक कुछ सेकंड लगेगा पढ़ के बताता हूँ. I think this is the time, the present time where the best, the specialist will have no problem. यानी वो कह रहे हैं कि how to retain employees. तो उसी का मैं भी अपना एक ओपिनियन यहाँ पे लिख रहा हूँ. आई थिंक दिस इज द टाइम, मतलब आज का समय ऐसा है कि जो स्पेशलिस्ट होंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. जो कंपनी गिविंग द बेस्ट टू देयर एम्प्लॉयज विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन रिटेनिंग देम. और जो एम्प्लॉयज होंगे, जो स्पेशलिस्ट ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स होंगे एंड हु आर रेडी ऑलवेज वर्किंग हार्ड टू इम्प्रूव देमसेल्व्स विल नॉट हैव एनी चैलेंज इन फाइंडिंग एन एम्प्लॉयर. सो दिस पीरियड ऑफ सोशल रिवोल्यूशन इज द टाइम ऑफ एक्सेलेंस. Everyone, the employee and the employer both have to keep themselves excelling all the time, because this is also a period of fierce competition thanks to social media and the digital world. तो अब ये जो मैंने यहाँ डाला तो बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा सर. और इसको आप देखेंगे नीचे तो I'll show you. थोड़ा सा इसको फोन पे चलाते हैं, अभी लैपटॉप पर चला रहा हूँ मैं just to share. तो यहाँ आप देखेंगे कि कई लोगों को 954 लोगों ने इसको देखा है and ये इतने लोगों ने इसको लाइक किया है और इनमें से मैं किसी को नहीं जानता. तो वंस दे लाइक द पोस्ट तो फिर एक मौका मिला उनसे कनेक्ट करने का और इन सबको मैंने कनेक्ट किया. और ऐसा नहीं कि तुरंत ही फिर हमने इनको बिजनेस का कोई प्रपोजल दिया. अब ये हमारे कनेक्शन में पड़े हैं, इनसे बीच बीच में बातचीत हो रही है एंड आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि इनको हम जो हमारा मेन पर्पज है उसके ऊपर लाएं. फिर आप देखिए एक हम मैं वीडियो और दिखाना चाहूंगा जो मैंने यहाँ पर डाला है. ये मेरा अपना वीडियो है, इसको मैंने बनाया और फिर यहाँ पर डाला है. मैं देखता हूं कि जैसे ही पढ़ाई खत्म होती है उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज होती है, जिंदगी में आगे बढ़े, सफल हो. और सफल होने का मतलब यह है कि कितनी जल्दी अधिक से अधिक पैसा कमाने में लग जाए. इसमें बुराई नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे में जो एक चीज नेग्लेक्ट होती है वो है उनका स्वास्थ्य. और उनके मन में विचार क्या होता है कि अभी पैसे कमाते हैं, स्वास्थ्य को देखेंगे बाद में, और जब खूब पैसा रहेगा तो फिर क्या, पैसे से स्वास्थ्य वापस आएगा. पर मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि एक बार स्वास्थ्य अगर चला गया तो आप चाहे जितने पैसे कमाए हो, आपने चाहे जितना पैसा आपके पास रखा हो, वो स्वास्थ्य वापस आने वाला नहीं है. इट विल नेवर कम बैक. सो
यही वो उचित समय है जब आप जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं, उसी समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और सफल व्यक्ति वही होता है जो धनी भी है और स्वस्थ भी है। तो इस वीडियो को देखिए सर, इतने लोगों ने लाइक किया, 27। इनमें से दो तीन ऐसे लोग हैं जो मुझे जानते हैं पहले से, बाकी सब नए लोग हैं। इनको मैंने फिर इनके मतलब इनमें से कुछ का मेरे पास कनेक्ट का रिक्वेस्ट आया, कुछ का मैंने कनेक्ट का भेजा, तो दे आर ऑल इन माई कनेक्शंस। तो इस तरह से जो चीज है वो ये है कि एक मैंने प्रोफाइल बनाया और एक मैं इमेज वहां पर अपनी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उस लिंक्डइन के ऊपर, और वो इमेज ऐसी है जो मेरे लिए बड़ी नेचुरल है। आई एम नॉट कॉपिंग एनी वन, आई एम नॉट ट्राइंग टू बिकम लाइक एनी वन, आई एम देयर वॉट आई एम। आई एम अ डॉक्टर इंटरेस्टेड इन वेलनेस, इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग पीपल बिकम हेल्दी एंड इंटरेस्टेड इन गिविंग इन देम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग मनी। तो जब ये इमेज वहां पर डेवलप हो रही है, तो जैसे मैंने पहले देखा, पहले जब मैंने शुरू किया था तो मैं सीधे देख के उस पर आता रहता है, लिंक्डइन में आता रहता है कि यू कैन कनेक्ट विद देम, यू कैन कनेक्ट विद देम, यू मे लाइक देम, दे मे लाइक यू, इस तरह से कुछ आता रहता है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स। तो उनके नीचे कनेक्ट लिखा होता है, तो सबको मैं डाल देता था कनेक्ट का रिक्वेस्ट। तो अगर 100 को डाला तो 15-20 एक्सेप्ट कर लेते थे, फिर वो जो 15-20 थे उनको मैं भेजता था कि देखो मैं एमवे बिजनेस कर रहा हूँ, लुकिंग फॉर पार्टनर्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग एल्स प्लीज कनेक्ट। इसको मैंने धीरे धीरे चेंज किया है, तो जब अभी इस पर आएंगे तो मैं उसके भी डिटेल्स बताऊंगा कि अभी शुरू में कैसे किया था और अभी क्या कर रहा हूँ। बट अभी जो मेन चीज है सर, प्रोफाइल के बारे में, अगर जितने भी लोग हैं मुझे ये बताना है कि आप जो हो वो वहां पर प्रोजेक्ट करो, वॉट एवर यू आर, डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स, बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू बी समवन एल्स तो फिर उसमें वो बात नहीं रहेगी, क्योंकि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज है जो लोगों को पसंद आएगी, यू बी श्योर अबाउट इट। और उसी को जब हम वहां प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर कुछ लोग हैं दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं कि सब हमको पसंद करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो हमें पसंद करेंगे, और जो हमें पसंद करेंगे उन्हीं से हमारा फिर कनेक्ट डेवलप होगा, वहीं से फिर हमारा, फिर उनको लाइक करने वाले लोग होंगे, फिर उनको लाइक करने वाले लोग होंगे। तो ये मुझे लगता है दिस इज दी बेसिक थिंग इन डेवलपिंग अ कम्युनिटी, दैट यू आर देयर एंड पीपल आर कमिंग टू नो हु यू आर एंड दे फाइंड यू जेन्युइन, दे फाइंड यू टॉकिंग समथिंग विच यू नो यू आर नॉट बोस्टिंग। मतलब मैंने देखा है बहुत सारे लोग ने, और ये बड़ा कॉमन है लिंक्डइन पर, जो आप नहीं हो वो लगा रखा है, और मैं देखता हूँ तुरंत पता चल जाता, यू कम टू नो कि ये इसने क्या लगा रखा है, वाकई है क्या। तो उसका जो इम्प्रेशन जो मेरे दिमाग में आ रहा है वही हमारे लिए किसी और के दिमाग में भी आएगा कि ये तो ऐसा ही है। तो मेरा ये मानना है कि आप जैसे अगर बाहर निकल के किसी से मिलोगे तो जो आप हो वो दिखेगा सामने उसको, तो सोशल मीडिया पर भी वर्चुअली भी उसको एक आइडिया लगना चाहिए कि आप क्या है। परफेक्ट। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से कि किसी भी पॉइंट पे आपके कोई क्वेश्चन आ रहे होंगे प्लीज राइट इट डाउन, अपने लिख के रखिए लास्ट में, नहीं तो याद नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से बताया जा रहा है। तो मैं चाहूंगा अंकित इज विद अस, तो अंकित वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग, क्योंकि आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने बताया आपका प्रोफाइल अलग है, आप किस तरीके से क्या करते हैं इनिशियल लेवल पे, जैसे डॉक्टर मिश्रा ने बताया। ऑसम सर, ऑसम नॉलेज सर, जबरदस्त। मैं अभी आपसे, आपने जो अभी बताया है वो मिसिंग है अभी मेरे करने में। एक्चुअली मैं ना अभी पोस्ट नहीं डाल रहा, लेकिन मैं अब डालूंगा मुझे समझ आ गया कि इससे क्या फायदा होता है, तो मजा आया। और मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या कर रखा है। मैं अपना अभी प्रोफाइल शेयर कर लेता हूँ, एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ, या फिर मैं जल्दी से बताता हूँ, और प्रोफाइल अगर चाहिए होगा तो मैं आलोक सर को भेज भी रखा है। मैंने अपने प्रोफाइल में लिखा हुआ हैड अ वेरी शॉर्ट करियर इन जॉब ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4 months ओनली आफ्टर माई ग्रेजुएशन, एंड नाउ इट्स बीन मोर देन 2 decades सिंस आई स्टार्टेड माई एंटरप्रेन्योरल जर्नी। इट वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ टिल डेट, विच गेव मी 100% कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। स्टार्टेड विद अ स्मॉल ट्रेडिंग विच लेटर ग्रो इन टू बिग कॉर्पोरेट गिफ्टिंग बिजनेस, देन आई स्टार्टेड माई ओन इंडियन मुगलाई चाइनीज फूड वेंचर, had an export and import company. We exported cotton waste and cotton chips to USA and Mexico, imported leather waste from European countries,
We had our own logistics company, freight forwarding company, clearance company. And with time, we evolved and provided single window solution to all our clients. ये मेरा real profile है. अब जैसा नलिन सर ने कहा कि आप झूठ मत लिखो बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बताता हूं मेरा पहले वाला प्रोफाइल, इससे पहले जो गलत वाला प्रोफाइल मेरा, उसके अंदर प्रोफाइल था आई वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली फ्री इन माई लाइफ एंड आई कैन प्रोवाइड आई कैन आई एम लुकिंग फॉर पीपल हु वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ. अभी मेरे को एक बात बताओ, अभी तो मैं खुद ही बिजनेस कर रहा हूं मैं हाउ कैन बी आई सो श्योर कि आई कैन मेक यू सक्सेसफुल. ये तो ईगो हर्ट करने वाली बात हो गई, वो सच नहीं है. मुझे क्या पता कोई सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, लेकिन जैसे नलिन सर कह रहे हैं ना, सच जो आपकी जिंदगी है. लेकिन आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, ये सारे बिजनेसेस मैंने करे, सारे बिजनेसेस शुरू भी करे, सफल भी हुआ और उसके बाद में कुछ बिजनेसेस क्लोज भी करे. तो मैंने क्लोज वाली बात नहीं लिखी लेकिन शुरू तो करे ना मैंने, आई हैड गट्स. अभी मेरे प्रोफाइल के अंदर में जैसे नलिन सर ने कहा कि आप जो है ना सच लिखो, और सच को इस तरीके से लिख सकते हैं हम. देखो ये सच है, हम इसे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ले सकते हैं. मेरे प्रोफाइल में लिखा है हम ग्रेजुएट है ना, तो कोई सोचे कि नलिन सर तो सर्जन है तो उनका तो प्रोफाइल बढ़िया है, लेकिन अंकित तो ग्रेजुएट ही है ना, और वो भी ह्यूमैनिटीज बीए. लेकिन ये भी तो सोचा जा सकता है कि वो ग्रेजुएट होने के बावजूद इतना सब कुछ करा उसने लाइफ में. सो हमें पहले अपने बारे में बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोचना है और फिर प्रोफाइल लिखना, देखो कितना बढ़िया निकलेगा है ना. अगर मैं सिर्फ लिख देता ग्रेजुएट तो बात खत्म हो जाती है ना. तो जो भी लिखा है आपने, जो भी जिंदगी में करा है, उसमें से क्या बेहतर किस लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, वो आप अपना प्रोफाइल बनाइए. दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एमवे बिजनेस या एमवे बिजनेस से रिलेटेड कुछ नहीं होना चाहिए. आप ऐसा समझो, मैं आपको बताता हूं, अगर आपके प्रोफाइल को देख के आपको पता लग रहा है कि ये एमवे डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है तो आपका प्रोफाइल गलत है. अच्छा एक काम करो, आप जब अपना प्रोफाइल बनाओ तो अपने बेस्ट ग्रुप के अंदर जो बेस्ट आपकी डाउनलाइन या अपलाइन जो भी है उससे पूछो क्या मेरे प्रोफाइल से पता लग रहा है, कहीं से अंदाजा लगा लेगा कि मैं एमवे डिस्ट्रीब्यूटर हूं. अगर वो कहते हैं हाँ सर पता लग रही है, तो प्रोफाइल थोड़ा चेंज कर दो, बिकॉज हम एमवे बिजनेस सब कर रहे हैं है ना. तो जैसे आप नए लोग हो ना, जैसे ये सूट कर जाएगा कहीं ना कहीं, नलिन सर को भी सूट करेगा, आलोक सर को भी करेगा वो बता सकते हैं, वो सर्टिफाइड सक्सेसफुल लोग हैं. लेकिन इस मीटिंग में ऐसे दो ही लोग हैं नलिन सर और आलोक सर. तो बाकी जितने लोगों के लिए मीटिंग हो रही है उनके लिए है ये टिप कि आपके प्रोफाइल से पता नहीं लगना चाहिए. आप अभी भी तो जिंदगी में बहुत कुछ कर रहे हो, वो लिखो ना आप अपने प्रोफाइल में. उससे क्या होगा, जो प्री कंसीव नोशन है ना वो आएंगे नहीं, तो आपके पास रिस्पॉन्स बहुत आएंगे. आपको पता है जैसे ही उसको पता लगता है अमित कुमार, और कहीं से उसे बीच में से पता लगे आपके प्रोफाइल में, सबसे पहला काम आप क्या करते हो अगर आपको पता है, सीधे फेसबुक पे जाके अमित कुमार ढूंढोगे, वरना इंस्टाग्राम पे कहीं तो कोई पोस्ट मिलेगा, खत्म. वो प्री कंसीव मतलब शक हुआ, अच्छा दो मिनट का तो काम है, फटाफट फटाफट दो मिनट में चेक कर लेता, अच्छा ओहो एमवे वाले हैं ये तुम. अच्छा उसमें हुआ क्या है, गलत कुछ नहीं है, गलत ये है कि उनकी जो धारणा एमवे के बारे में बनी है उसको सही करने का मौका नहीं मिलता बस. और मैं गलत काम नहीं कर रहे जो छुपाने को कह रहा हूं, वो हमें मौका नहीं मिलता कि हम उनकी सोच को बदल के मीटिंग में और इस बिला सके और उनके लिए कुछ अच्छा कर पाए. देखो जो बिजनेस में नहीं है ना उसी को तो लाना है, जैसे आलोक सर भी है, जो नेगेटिव होने तो पॉजिटिव करना है, वो मिल ही नहीं रहे हमारे आमने सामने नहीं आ रहे. तो प्रोफाइल के अंदर में सबसे पहली चीज जो आपको, जो भी आपके प्रोफाइल में जो भी आपने करा उसे पेपर पे लिखो और उसे अच्छे शब्दों में डालो है ना. फील गुड अबाउट इट, आई एम वेरी प्राउड आई एम अ ग्रेजुएट एंड आई एम वेरी प्राउड बीइंग अ ग्रेजुएट, आई हैव डन सो मेनी थिंग्स, आई टुक रिस्क एंड इट वाज माय गट्स. ऐसे एक बार ही बोलो मतलब घमंड नहीं, ऐसे बोलोगे तो अच्छा प्रोफाइल बनेगा. तो उसके बाद में ऐसे आप भी अपने लिए बोल सकते हो, इफ यू आर इन अ गवर्नमेंट जॉब आपको पता है कितने कम लोगों की लगती है, इफ यू आर इन अ प्राइवेट जॉब आपको पता है कितने लोगों के पास प्राइवेट जॉब भी नहीं. सो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड विल हेल्प यू मेक अ गुड प्रोफाइल, मेक अ गुड प्रोफाइल. अभी क्या है, वो आदमी आपके प्रोफाइल को देख के आपको क्यों, अब आपको लग रहा है आप मेरा प्रोफाइल, अगर मान लो मेरा गवर्नमेंट जॉब का प्रोफाइल है, मैंने कुछ लिखा नहीं, तो फिर वो मुझे कॉन्टेक्ट कैसे करेगा, मैं उससे कॉन्टेक्ट कैसे करूंगा, ये क्वेश्चन है ना. अब बताता हूं कैसे करेगा, क्योंकि
लिंक्डइन के ऊपर में नेटवर्क बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका कोई बहुत बड़ा प्रोफाइल। यू कैन सेंड रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, से फॉर एग्जांपल आई एम इन अ प्राइवेट जॉब और वो प्रोफाइल अच्छा था थोड़ा सा बन जाएगा, चाहे कोई भी कुछ भी करते हो लाइफ में, बनने के बाद आप ना इनवाइट कर सकते हो, रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो लिंक्डइन के ऊपर में, रिक्वेस्ट सेंड रिक्वेस्ट सेंड रिक्वेस्ट सेंड रिक्वेस्ट सेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक दिन में 100-150 भेज सकते हो, 15-20 मिनट लगेंगे, फटाफट भेज दो। 100-150 में से ये पूरी दुनिया में कितने सारे लोग हैं, 100-150 में से 10-15 आपको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि दे आर इन लुकिंग जोन, हंग्री है वो, उनको चाहिए नेटवर्क। एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर टाइम मनी और पीपल, समबडी एवरीबॉडी इज ड्रिवन बाय समथिंग, है ना। तो उसे लगता है कि आपका प्रोफाइल देख के आप कि भाई मेरे को कनेक्ट होना चाहिए, जो लोग कनेक्ट होंगे वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में आ गए। अब जब वो फ्रेंड लिस्ट में आ गए तो उनको एक सिंपल मैसेज भेजो, मैं वो बताता हूँ जो मैंने आलोक सर को भी भेजा हुआ है, मैं पढ़ के बोल देता हूँ, एक मिनट बस, एक मिनट, अब मैं आपको बताऊंगा मैं ऐसा क्यों करता हूँ, है ना, एक मिनट। हाँ, मेरा मैसेज होता है सिंपल मैसेज, कट कॉपी पेस्ट, नो ब्रेनर, कोई दिमाग नहीं। हाय वैभव, वेलकम टू माय प्रोफेशनल नेटवर्क, लेट्स बी कनेक्टेड एंड एक्सप्लोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड आइडियाज, लेट मी नो इफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड आइडिया ऑफ हैविंग इनकम फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज विदाउट डिस्टर्बिंग योर करेंट प्रोफेशन एक्साइट्स यू। ये सिंपल क्वेश्चन, अभी मैंने उसका भाई ठीक है कनेक्ट होते, सिंपल छोटा मैसेज जो वो पढ़ ले, बहुत लंबा मैसेज नहीं पड़ेगा, वो छोटा मैसेज पढ़ा, इफ ही इज इन लुकिंग जोन ही विल रिप्लाई श्योर। और बताता हूं, ये बिल्कुल वैसा है कि हमने भंडारा लगाया और सड़क पे से 10,000 लोग निकलते हैं लेकिन पूरियां तो वही 500 खाई जाती है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कितनी भी अच्छी बना लो लेकिन जिसे भूखे वही उतर के वो गाड़ी रोक के भी खा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं हमारा काम ऑफरिंग है, so we are looking for people who are looking for us, so how do we know who is looking for us, so be straight, khatam। abhi to wo kya kar raha hai, humne message dala, ab uske andar mein se na kuch log aise, main batata hu ye message kyon kaam karta hai, kuch log aise hain jo linkedin pe baithe hain aur aaj hi subah socha hai ki main naukri chhod dun, jhagda hua hai wo likhega sure, ek banda hai usse pata hai ek hi mahine ka mehman hu wo likhega sure, क्यों सोचते हो कोई नहीं लिखेगा, क्यों क्यों ऐसा क्यों सोच रहे हो, आपको पता है कितना कुछ चल रहा है दुनिया में, वो लिखेगा श्योर। मैं बताता हूं, आज ही बात हुई है, कल ही बात हुई है उसके किसी फ्रेंड से और उसने कहा कोई बिजनेस करते हैं और पर उसे पता लग रहा है इतने पैसे तो है नहीं और ही इज लुकिंग फॉर बिजनेस, वो लिखेगा श्योर, यू विल गेट सम श्योर्स। आप इमेजिन करके देखो, सोना ढूंढने निकलोगे तो मिट्टी ज्यादा निकलेगी, सोना कम निकलेगा। कैन यू इमेजिन कि नलिन मिश्रा जैसे लोग मिलेंगे आपको, आप सोच सकते हो दोबारा से, सर्जन है, सक्सेसफुल है, टफ है ना, तो टफ ही लोग मिलेंगे हमको भी, क्या दिक्कत है, 100-200 में से मिल जाएंगे, क्या प्रॉब्लम, क्या भेजो आप फटाफट फटाफट, श्योर आएगा। श्योर लिखने के बाद में एक और मैसेज है जिसके अंदर में आप लिखोगे, मैं वैसे बता देता हूँ, मेरे को याद ही रहता है कि ग्रेट ग्रेट टू हियर दैट यू आर इंटरेस्टेड, ग्रेट टू हियर दैट दैट यू आर इंटरेस्टेड, ऑब्वियसली obviously businesses cannot be discussed over phone, so let me know when can we have a zoom call or a video call। abhi obviously likh diya to banda likhega nahi, main to phone pe hi bata do kyunki use lag raha obviously ab main kuch kahunga to pagal ho, matlab use na matlab samajh rahe ho aap, use lagega acha obviously likh diya, oh iska matlab mujhe to pata nahi lekin main to business kiya nahi kabhi lekin obviously bol rahe hain to hote nahi honge, so he will come into zoom। अभी वो जूम पे आ गया या फिर वो व्हाट्सएप कॉल पे आ गया, अगर वो कहता नहीं कि फोन पे बता दो कुछ बता दो, मना करो, है ना, और टाइम खराब मत करो, जितना हो गया, है ना, लीव इट। वी हैव लॉट ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अस, वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर अस, दैट्स ऑल। तो ये कॉन्टेक्टिंग है, इसके बाद में जूम लिंक इसी पे क्रिएट हो जाता है लिंक्डइन के ऊपर में, वो आप क्लिक करो, नीचे जूम का वो बटन है लिंक्डइन। इसके बाद भी कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं बताऊंगा, पहले अभी यही क्वेश्चन था तो यही है सर, आगे का आलोक सर मैं बिल्कुल ठीक है। और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर मिश्रा कैसे भेजते हैं, जैसे अंकित ने बताया
अच्छा मैं सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए बोलूंगा, जैसे अंकित ने जो बताया है, डॉक्टर मिश्रा जो बता रहे हैं वो हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे क्वेश्चन, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट भेज दिया जाएगा। आप उसमें वो ये जहाँ पर अनुभव लिखा उसके बदले कुछ और, मतलब 100% कॉपी नहीं करना उसको, है ना, थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको बनाना है, बट अदरवाइज एक कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है उसमें। तो ओवर टू डॉक्टर मिश्रा। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लिखने से कुछ फायदा भी नहीं होगा, बिकॉज अगर हमारे वर्ड्स आप लिखोगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, आपको अपने वर्ड बनाने पड़ेंगे, मीनिंग वही निकले, सब कुछ वही निकले, यू आर ऑफरिंग समथिंग, बट वो शब्द आपके होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ सर, शुरू में तो मैं सीधे सीधे लिखता था लोगों को, प्रोफाइल मेरी ये थी, उसमें एमबीए कहीं नहीं लिखा था, लेकिन मैं लिखता था कि मैं एमबीए बिजनेस कर रहा हूँ पार्ट, और कुछ बढ़िया पार्टनर ढूंढ रहा हूँ। अगर आप जो भी काम कर रहे हो उसको बगैर डिस्टर्ब किए हुए चाहते हो कुछ और करें, या मतलब कुछ इनकम चाहते हो तो रेस्पॉन्ड करो, तो उसमें भी आता था यस, ऐसा नहीं कि यस नहीं आता था, एमबीए लिखने पर बिल्कुल नो हो जाए ऐसा नहीं था, यस आता था, और फिर ये होता था कि बताइए मुझे करना क्या है, तो मैं उनको कहता था कि ठीक है, जैसे अभी अंकित ने कहा कि हम लोग देखो यहां पर चैट करके नहीं बता सकते, तो अपना हमें नंबर दो, गिव मी योर व्हाट्सएप नंबर, उसके ऊपर मैं कुछ मटेरियल भेजूंगा, उसको आप सुनना और फिर उसको थोड़ा सा आप प्रिपेयर कर लेना, फिर हम लोग जूम के ऊपर मिलेंगे। तो एक्चुअली क्या होता था कि यहाँ पर छटनी होती थी सर, और हमारा इंटेंशन नहीं कि लोग छटे, जिसने नंबर दिया उससे आगे बात होती थी, जिसने नंबर नहीं दिया फिर मैं पलट के उसको फिर मैसेज नहीं करता था कि यार तुमने नंबर क्यों नहीं दिया, ये सब कुछ नहीं, नंबर नहीं दिया बात खत्म। फिर जिसने नंबर दिया तो उसको फिर व्हाट्सएप पर हमने कुछ चीज़ें भेजा। ज़्यादातर मैं क्या भेजता हूँ, बिजनेस और 21st सेंचुरी भेज देता हूँ, इस किताब को पढ़ो। और अच्छा, मेरे जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं ज़्यादातर सब यंग हैं, और मैं देख के कनेक्ट भी उन्हीं से कोशिश करने की कोशिश करता हूँ कि यू 35 हो, तो एक चीज़ होती है कि वो प्रोफाइल भी देखा, हमारी उम्र देखी, सब देखा, तो रेस्पेक्ट रहती है, वो उसका वहाँ चैलेंज नहीं आता। उसको नहीं भी बोलना है तो बहुत इज्जत से बोलता है, नहीं मेरे से वो ठीक है। तो जब उसको हमने वो बुक्स दी तो हम उसको कह देते हैं कि देखो इस बुक को पढ़ो, पर पूरी बुक पढ़ना में बहुत टाइम लगेगा, ये हम खुद ही बता देते हैं, यू जस्ट गो थ्रू इट बट फोकस ऑन chapter 3, 4 and 5। chapter 3, 4 जिसमें कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में है, माइंडसेट के बारे में है, एंड व्हाट इट टेक्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर इसके बारे में। तो मैं कहता हूँ उसको पढ़ो, इसमें कुछ पॉइंट्स नोट कर लो, फिर हम जूम पर मिलेंगे और फिर इसके बाद बात करेंगे। तो बहुत से लोग हैं जो ये करते हैं, फिर उनको हम जूम पर मिलते हैं, जूम पर मिलके फिर उनसे थोड़ी बात करते हैं, और जूम पर मिलते कैसे, ज़्यादातर एक चीज़ और भी होती है सर, वहाँ हर कोई ये जल्दी से जाना चाहता है, सर बताइए क्या है, सर विल यू प्लीज टेल मी व्हाट इट इज, सर विल यू प्लीज टेल मी व्हाट आई हैव टू डू। तो जैसे अंकित ने कहा भाई मैं भी करता हूँ, भाई देखो हाउ कैन आई टेल यू समथिंग ऑन, मतलब चैटिंग लाइक दिस। और दूसरी बात यह है कि हमारा प्रपोजल पार्टनरशिप का है, तो पार्टनरशिप में क्या है वो तो बाद की बात है, पहले लेट अस सी ईच अदर वेदर वी कैन बिकम पार्टनर्स और नॉट। आप ये तो देखो कि आप मिले, हम लोग मिले, एक दूसरे के बारे में जाने, और ये देखें कि क्या हम पार्टनर्स बन भी सकते हैं, और जब वो हो जाए तो फिर मैं डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर मैं पहले से दूं और हमारा आपका भी कोई कनेक्ट ही नहीं डेवलप हुआ है तो दैट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम, आपका भी टाइम खराब होगा, मेरा भी टाइम खराब होगा। तो इस तरह करके वो उसके ऊपर आता है, फिर मैं उसको प्लान दिखाता हूँ, प्लान दिखाने के बाद फिर वो जो प्रोसेस है वो पूरा चलता रहता है। तो दो तीन चीज़ें जो हमने यहाँ पर एक्सपीरियंस की है इतने दिनों में, वो ये है कि लोग आपके इस मैसेज को जब रेस्पॉन्ड करते हैं, आई एम इंटरेस्टेड, यस, व्हाट इट इज, श्योर, ये सब बोलते हैं, तो वहाँ पर हमको तुरंत ही उनको एमवे के बारे में बताने या अपना प्लान बताने से रुकना चाहिए, बिकॉज अगर तुरंत हम बताते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी यूजलेस, वो हमारा मतलब तो हमारा टाइम भी खराब होगा, जो हमारी इमेज बनी है वो भी खराब होगी। तो हमेशा वहां पर रुकना चाहिए और एक स्टेप उनको आगे ले जाना चाहिए, बिकॉज हर कोई आपसे पूछेगा कि बताओ क्या है, और अगर हम बताने लगे तो फिर वही हम एकदम एक बेवकूफ की तरह हो जाएंगे कि हमने बताया और उसके बाद उसमें नहीं, ये तो मैं मुझे नहीं करना है, तो एक आपको खुद भी अजीब सा लगेगा, आपकी सेल्फ एस्टीम लो होगी और आप सोचोगे यार ये क्या है। तो वहां पर ये करना, नहीं हम अभी नहीं बता सकते, और उनका फोन नंबर जरूर लेना चाहिए, क्योंकि फोन नंबर देने का मतलब है कि दे वांट टू टॉक। कई बार ये होगा कि फोन नंबर नहीं देता तो पता चल जाता है कि इससे बात नहीं करनी, तो फिर कनेक्ट नहीं करते उससे, फिर दोबारा कॉन्टैक्ट नहीं करते।
तो कुछ ना कुछ ये होना चाहिए जो उधर से भी आ रहा है। फोन नंबर मांगा तो फोन नंबर दिया, फिर उसको व्हाट्सएप पर हमने कोई चीज भेजी, उसको वो पढ़ भी रहा है, हमारे साथ इंटरेक्ट भी कर रहा है। तो मेरा हमेशा ये इंटेंशन होता है कि उधर से भी कोई ना कोई एक रिस्पॉन्ड आ रहा हो, ओनली देन आई गो एहेड। अदरवाइज मुझे हमेशा लगता है कि लिंक्डइन पर सर लाखों लोग होंगे, कमी नहीं है वहां कोई लोगों की। मुझे तो रोज मैसेज भेजने का टाइम नहीं मिल पाता है, पता नहीं कहाँ 6-7 दिन लग जाते हैं, फिर याद आता है कि यार आज चलो बैठ के मैसेज डालते हैं, नहीं तो एकदम भरे पड़े हैं लोग। अगर कोई रेगुलरली कंसिस्टेंटली जैसे अंकित कर रहे हैं 1-2 घंटा रोज दे तो वहां बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो एक मैं अभी जो रिसेंटली बात हुई उसको मैं दिखा भी दूं तो समझ में आ जाएगा सर कि क्या किस तरह से करते हैं। रिसेंट बिल्कुल लेटेस्ट वाला जो है, और इसमें यह भी पता चलता रहता है कितने लोगों ने आपका प्रोफाइल देखा कौन। अब वो उसमें हमेशा ये पेमेंट के लिए कहता रहता है कि आप पेमेंट करो, वो पेमेंट काफी अच्छा खासा है, करीब 1700 या 1800 रुपये हर महीने है, तो वो अभी तक पेमेंट मैंने नहीं किया है। तो उसमें जिन लोगों ने आपका प्रोफाइल देखा उनके सारे डिटेल्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो वो अभी आई विल नॉट एडवाइज कि पेमेंट पेड वाले पर जाएं लोग। कहाँ गया वो मैसेज? ये एक है सर, इन्होंने ये डॉक्टर हैं, तो इनको आज ही मैंने मैसेज किया, देखे आज दोपहर में। इज अ कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाय स्वामी, आई एम अ जनरल सर्जन प्रैक्टिसिंग इन इलाहाबाद, आर यू वर्किंग इन सम गवर्नमेंट हॉस्पिटल? तो इन्होंने कहा यस। तो फिर मैंने कहा, ये 1-2 दिन पहले की बात है, उसके बाद मैंने फिर इनको मैसेज किया, आई वॉज वंडरिंग इफ यू टू लाइक मी विल बी इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग अ सोर्स ऑफ इनकम अदर देन अवर प्रोफेशनल वन। तो ये अभी इसका जवाब नहीं आया, और अगर ये इसका जवाब देते हैं तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं जवाब देते तो फिर कोई बात नहीं। एक ये यंग लड़का है सर शाश्वत, इसको इन सबको पहले कनेक्ट का वो भेजते हैं, फिर वो एक्सेप्ट करते हैं कनेक्शन, देन आई टॉक टू देम। इसको मैंने लिखा, हाय शाश्वत, आई एम लुकिंग फॉर यंग एंड डायनेमिक पार्टनर्स फॉर माई स्टार्टअप, इफ यू हैव अ बिग ड्रीम एंड आर ऑल्सो विलिंग टू वर्क फॉर इट, reply with your WhatsApp or Telegram number. There is no, since he young ladka tha, so I thought isko likh de pehle se. There is no requirement of capital and it can be done part-time without disturbing your primary source of income. So iska jawab hai, yes sir, I am ready. So then, phir usne pucha, what will I have to do? Sir, what type of startup is this? So ispe kai baar aisa hota hai, iska hum dekhi nahi paate hain, jawab nahi de paate, wo that works in my favor. अगर तुरंत जवाब दे दें तो आई होप यू आप समझ रहे हैं सर इस बात को, तुरंत जवाब दे दें तो शायद लगेगा कि सिर्फ हमारे वेट ही कर रहे थे। तो कई बार नहीं दे पाते हैं तो अच्छा ही रहता है। फिर मैंने इसको बाद में कहा, गिव मी योर व्हाट्सएप नंबर, आई विल कनेक्ट विद यू आफ्टर 2 PM। तो इसने भी श्योर थैंक्स करके अपना नंबर दिया। फिर इसको मैंने कहा, आई गॉट इट, आई एम सॉरी शाश्वत, सॉ योर मैसेज जस्ट नाउ, आई विल कॉल यू एट 10 AM टुमारो। इसने तुरंत दे दिया था, लेकिन फिर मैं उसको 1 दिन बाद ही देख पाया। फिर इसने कहा ओके नो प्रॉब्लम। फिर इसके बाद इससे हमने व्हाट्सएप पर चैट किया सर, और इसको बुक दी, इसने बुक पढ़ा। मैंने एक दिन इसको पूछा कि क्या वो बुक पढ़ लिया तुमने? तो इस सेट के अभी सर मैं 2 चैप्टर पढ़ा है, 1 मेरा और बाकी है। तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब थोड़ा सा ढीला भी होना पड़ता है ना। अब 4 दिन हो गया, अगर मान लीजिए उसने नहीं पढ़ा तो 2 तरह के जवाब आते हैं। एक कहता है कि नहीं मुझे तो टाइम ही नहीं मिला सर, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाया, मैं यहाँ बिजी था वहाँ बिजी था। तो उस समय फिर मैं उसको लिखता हूँ कि इट शोज योर इंटरेस्ट इज नॉट एनफ, बट आई एम गिविंग यू अनदर चांस, इफ यू रीड इट इन 2 डेज देन वी कैन टॉक फर्दर। तो जिसने 4 दिन में नहीं पढ़ा होता वो 2 दिन में भी नहीं पढ़ता। तो ये मेरा अपना वो है इंप्रेशन। तो उसको फिर मैं कहता हूँ चलो, जब क्योंकि अगर एक
ये सर मेनली मामला है कि हमारा और उसका कनेक्शन स्टैब्लिश हो, और कनेक्शन तभी स्टैब्लिश होगा जब उधर से भी उतनी ही विलिंगनेस होगी। यहाँ वो वाला मामला नहीं कि हम उसको कुछ दे रहे हैं और वो भाग रहा है, ये यहाँ नहीं चलेगा सर। ये मैंने जो इतने दिन में एक्सपीरियंस किया है वो ये है। तो जब वो फिर उसको, अब इसने कहा कि मैंने सर आज फिर उसका मैसेज आया कि सर मैं चैप्टर 4 पर हूँ और हाफ अभी पढ़ा है। तो हमने उसको पहले कहा था कि आज हम जूम पे कनेक्ट होंगे, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम जूम पे कल कनेक्ट होते हैं। तो फिर उसने थैंक्स थैंक्स बोला, फिर मैंने उसको लिंक भेजा, कल का अपॉइंटमेंट सेट है, उसको हम 11 बजे जूम पर मिलेंगे। जूम पर मिलके पहले हम उसके बारे में पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, वो कहीं बी फार्मा कर रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, आई मीन आई हैव टू नो अबाउट हिम कि वो एमवे बिजनेस कर पाएगा भी कि नहीं कर पाएगा। और पहले तो ये जानना जरूरी होता है कि वो सोच क्या रहा है। लिंक्डइन में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जहां पर उनको एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे होते हैं, तो मैं पहले ये क्लियर करता हूं कि देखो ये ऐसा कुछ नहीं है कि तुम काम शुरू करोगे और महीने के बाद तुम्हें पेमेंट मिलेगा। तो कई बार मैं उनसे पूछता हूं, तुम स्टार्टअप जानते हो क्या होता है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, आइडिया है, ये सब क्लियर। और जैसे जैसे उसका हमारा वो बढ़ता जाता है, रैपो बनता जाता है, वैसे वैसे बात आगे बढ़ती जाती है। फिर हम उसको एक प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद एक छोटा सा प्लान दिखाते हैं, बहुत डिटेल प्लान नहीं दिखाते। उसके बाद फिर हम उसको जो हमारे ओपन सेशन होते हैं उसमें बुलाते हैं, फिर कुछ और मटेरियल देखते हैं। तो ऐसे करके ज्वाइनिंग्स भी हुई हैं, बट अभी मेरा कन्वर्जन बहुत नहीं है। वो शायद इसलिए नहीं क्योंकि आई एम बिकमिंग टू सेलेक्टिव, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर वो ठीक ढंग से नहीं आएगा तो ही बी वेस्टिंग लॉट ऑफ माई टाइम। अच्छा है कि पहले सब समझ ले, तो जब एक बार वो प्रिपेयर्ड हो तो हम मिलके फिर अच्छे से काम करें। कई बार थोड़ी हमने जल्दी दिखाई, ज्वाइनिंग भी करा ली, लेकिन बाद में फिर वो फिजल आउट हो गया। बिल्कुल। देखिए बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन चल रहा है ना, मजा आ रहा है बिल्कुल, है ना, ऐसा लग रहा है सुनते रहे हम लोग। तो अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा अंकित से, मैं डिफरेंट क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए मेरे को लगता है कि अभी जितना हम लोगों ने सीखा है इन दोनों से, एक चीज तो हमें समझ में आ गई है ना, प्रोफाइल की जहां तक बात है वो तो अपनी अप्लाइंस से हम बात कर सकते हैं, भेज सकते हैं किसी को भी, इवन डॉक्टर मिश्रा इज देयर, अंकित इज देयर टू हेल्प अस आउट, है ना, कोई भेज देगा अपना तो उसको हम लोग ठीक ठाक करके भेज देंगे, उसकी भी दिक्कत नहीं। मुझे लगता है हम कनेक्ट तक तो पहुंच जाएंगे, है ना, वो श्योर तक तो आ जाएगा मेरे ख्याल से आसानी से, है ना, क्योंकि नंबर्स का गेम है। अब मेरा अंकित से क्वेश्चन ये होगा कि क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है अंकित के साथ में, अंकित के ग्रुप में एक शख्स है जो वैसे तो काफी लोग काम कर रहे थे, लेकिन एक किन्हीं के साथ में ये चैलेंज आता था कि वो वहां श्योर तक आ जाते थे, उसके बाद फिर वो उनको उसके बाद क्या बात करनी है, क्या हमें प्लान दिखाना है या हम क्या बात करते हैं। तो वहां पर मैंने देखा है कि बड़ी अच्छी अप्रोच अंकित की मैंने देखी, और शायद उसने मुझे प्रेरित भी किया कि हम इस सेशन को रखें हम लोग, है ना, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली दिमाग में तो सबके एक ही चीज रहती है ना कि भाई यदि फाइनल रिजल्ट नहीं आया तो क्या फायदा। तो अंकित आप समझ गए मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ आपसे, मैं तो आप जो भी बोलना चाहते हैं इसके बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैंने कई जगह पे ये भी देखा कि अंकित ने उन सबको मना कर दिया, मतलब उनको, मतलब जो लिंक्डइन में ये कर रहे थे उनको इस चीज के लिए मना कर दिया कि आप बस वहीं तक करो जहां वो श्योर बोलो, उसके बाद मैं कनेक्ट करूँ, आप प्लान नहीं दिखाओ। तो वहां पर अंकित आप क्या बात करते हो, डू यू शो द प्लान, या आप उनसे बात करते हो, कितनी देर की बात होती है, डिटेल में थोड़ा सा मैं जरूर चाहूंगा। या ओवर टू यू। थैंक यू सर, और बढ़िया चल रहा है सेशन आज तो, ललित सर से बिल्कुल वन टू वन सीखने को ऐसा लग रहा है सामने बैठ के सीख रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ सर, मेरा, मैंने ना जैसे मैं सिर्फ बता रहा हूँ इस बारे में कि जैसे अभी पीछे टीम वो मार चीजें देते थे और कोने करते थे लोगों को, तो उसमें जब मैंने लोगों को क्वालिफाई करना चालू करा और बहुत सारी चीजें करी तो मैंने देखा कई लोग जैसे काम करते नहीं थे, हम तो क्वालिफाई करना चाह रहे लेकिन वो नहीं होना चाह रहे। वो हम बहुत सारी मेहनत लग रही है, उसका रिवॉर्ड जो थोड़ा सा कम आ रहा है। तो फिर मैंने बहुत सोचा और फिर मैंने सोचा देखो स्कूल के अंदर में कॉलेजेस में पहले एडमिशन होता है, फिर पढ़ाई होती है, सब कुछ होता है, फिर भी बच्चे फेल हो जाते हैं, तब भी मतलब पूरे नंबर देख के पूरी लिस्ट निकाल के भी लोगों को लाते हैं, फिर भी बच्चे फेल होते हैं, फिर भी कोई ही फर्स्ट, एक आदमी फर्स्ट आता है। क्यों ना ऐसा क्यों ना करें, ये मेरा थॉट प्रोसेस था, क्यों ना ऐसा करें कि बच्चों को पहले भर्ती कर लें और फिर पढ़ाएं, जो पढ़ पाएगा वो आगे निकल जाएगा और बाकी फेल हो जाएंगे।
पहले एडमिशन तो कराएं, क्या पता पढ़ते पढ़ते किसी का इंटरेस्ट आ जाए, और शायद स्कूल के एटमॉस्फेयर में किताब पढ़नी ज्यादा आसान हो बजाय के घर बैठ के। तो इस थॉट प्रोसेस से मैंने सोचा लेट्स हैव लॉट ऑफ पीपल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड देन वी विल चूज कि किसके साथ काम करें, कौन लायक है और कौन नहीं। तो विद दैट थॉट प्रोसेस मैंने कहा चलो पहले ना लोग इकट्ठे करते हैं, बिकॉज व्हेन यू हैव ऑप्शंस, ऑप्शंस गिव यू पोस्चर। व्हेन वी हैव नैरो बिजनेसेस वी डू रॉन्ग थिंग्स। सो लेट्स हैव लॉट ऑफ पीपल एंड देन वी विल सिलेक्ट। ना ना ना, 20 में से मैं तो दो के साथ काम करूंगा, लेकिन दो ही है तो किसके साथ काम करूंगा, उन्हीं दो के साथ। तो विद दैट थॉट प्रोसेस मैंने कहा इनको सब पढ़वाएंगे, सब लिखवाएंगे, लेकिन तब करवाएंगे जब ये हमारी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, बात सुनेंगे, और तब इनसे कहेंगे पढ़ो फिर काम करें। तो पहले समझ में आए कि किताब ना पढ़ने से खोएंगे क्या, तब इनको किताब पढ़वाएंगे। अभी उन्हें लगता नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी तो मैं तो नहीं पढ़ता, मैंने तो अपने मतलब कभी सुनी नहीं किसी की भी, तो वो एटीट्यूड है कहीं ना कहीं लोगों में। तो इसीलिए हमने सोचा चलो पहले लाते हैं, इससे उसके बाद। तो अभी सिनेरियो ये होता है कि हम, मेरा सबसे बड़ा मतलब जो सबसे खुशी का मोमेंट होता है वो ये होता है जब वो आमने सामने आ जाता है। ओहो, मैं हमेशा से कहता हूँ ना, अगर वो तेंदुलकर को कैसा लगता होगा पिच के ऊपर जाके, बड़ा मजा आता होगा ना, तो वैसा मजा आना चाहिए जब कोई सामने आ जाए। और पहला क्वेश्चन पूछ ले ये आंसर तो नहीं है, फिर और भी मजा आ जाता। तो मेरे कहने का मतलब है सबसे बड़ा काम यह है कि वो फेस टू फेस आए तो आमने सामने बात करेंगे ना, जो भी बात करनी। तो मैंने इसीलिए बोला क्योंकि होता क्या है, जैसे हमारा टीम मेंबर या जो भी कोई क्वेश्चन जैसे कोई पूछ लेता है इज ए टाइम वे, लेकिन आपको मैं कमाल की बात बताता हूं, अगर आप 100 कन्वर्सेशन करोगे ना, केवल उसमें से 5 से 10 लोग, 10 बहुत ज्यादा हो, 5 लोग पूछ पाते हैं इज ए टाइम वे। कर लो आप 100 करके भेज के देख लो, 100 कन्वर्सेशन कर, 5 ही लोग बता पाते हैं इज ए टाइम, सारे नहीं बोल पाते। कौन बता पाते हैं? जिन्होंने एमवे बिजनेस देखा या एमवे बिजनेस उन्हें 10-15 लोगों ने दिखा दी। कितने लोग ऐसे जिन्होंने 10-15 बार एमवे बिजनेस देख लिया, जो मैसेज से पहचान नहीं है, करके देखो आप पता लगेगा इज इट एमवे, बहुत कम है। 2 ऑप्शन है उसमें, इज इट एमवे लिखता है मन करता है छोड़ दो, नहीं तो और बहुत सारे तरीके हैं वो मतलब उसको हैंडल करने, है ना, छोड़ना है छोड़ दो, क्यों इतनी टेंशन लेनी है, और 95 उनसे बात कर छोड़ दो। तो अब वो आ गया मीटिंग के अंदर, अब वो जब वो मीटिंग में आया, आमने सामने फेस टू फेस आ गया ना। इसीलिए मैं किसी अपने डाउनलाइन को नहीं बोलता मीटिंग करने को, क्योंकि मुझे पता है मैं हैंडल कर लूंगा, और मुझे ये पता है ये हैंडल करेंगे ना तो होगा क्या, इनको बिजनेस में ला के ये ट्रेनिंग कर सब करवा देंगे, लेकिन जो क्रिटिकल पार्ट है ना वो वाला मैं कर देता हूँ, 5-10 मिनट लगते उसमें। अब उसमें क्या है, जैसे ही वो आता है तो मैंने लोगों को ये भी इंस्ट्रक्ट करा हुआ है कि क्योंकि बात मैं करूंगा तो आप कैमरा ऑफ करना कर देना, आपको म्यूट करना म्यूट कर देना, और मेरे को एक बार आमने सामने लाके जाना है तो लीव कर देना मीटिंग, अब वो मेरे पास है मैं देखूंगा, वो जो भी होगा देखा जाए। अब आया तो अब जैसे मान लीजिए सिर्फ फॉर एग्जांपल अमित आया, तो अमित से बात हुई और मैं एक दो चीजें और है मैं बोल देता हूँ, मेरी तारीफ वारीफ मत करना, क्योंकि वो काम करना ही नहीं है जो 99% एमवे डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा है। आप प्लीज समझो बात को, थोड़ा डिफरेंट करेंगे। तो कोई अपलाइन सीनियर बिजनेस पार्टनर कुछ नहीं होता ऐसा वो रेस्पेक्ट है अपने हार्ट में रखो, दिल में रखो, एक वो बढ़ेगी जब हम बड़ा बिजनेस बनाएंगे। वो आप बोलो जैसे मैं मिलवा रहा हूं और आलोक सर जो है वो अंकित है और नलिन सर जो है वो प्रोस्पेक्ट, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं पहली बार आया तो मेरा सिर्फ इतना काम है नलिन जी मेरा नाम अंकित है, मेरा तो प्रोफाइल आपने देख लिया, मेरे साथ मेरे बिजनेस पार्टनर है आलोक जी और ही इज अ बेटर पर्सन, ये मेरे से ज्यादा बेहतर बताएंगे और तो इसीलिए ओवर टू यू आलोक सर, बस हो गया, इससे बड़ा इंट्रोडक्शन अपना म्यूट कर दिया, अभी सेफ है बंदा, बिल्कुल अभी काम आ गया आलोक उपाध्याय का, मतलब जैसे मान लीजिए नहीं। अब मैं पूछता हूँ नलिन जी मेरा नाम अंकित है और मेरा बैकग्राउंड नहीं देखा उन्होंने लिंक्डइन पे, तो नलिन जी मेरा बैकग्राउंड तो बिजनेस से है, अब आप एंटरप्रेन्योर हो ना जॉब के साथ, अपलाइन जो एंटरप्रेन्योर आप कुछ भी हो चाहे अगर एंटरप्रेन्योर भी हो तो मेरा बैकग्राउंड तो बिजनेस से है और हम बिजनेस की बात करेंगे भी, लेकिन मुझे सबसे पहले ये जानना हो, कुछ चीजें जाननी होगी जिससे कि मैं कुछ एसेस कर पाऊंगा कि आप उस जानकारी जितनी आपको उससे आगे बात करें, जस्ट टू सेव टाइम। तो आप ब्रीफ में बताइए आप
आपका क्या प्रोफेशन है, किस जगह लोकेटेड हो आप इंडिया के अंदर और क्या बैकग्राउंड है आपका। अभी तीन क्वेश्चन पूछे, तो अभी वो तीन क्वेश्चन क्यों पूछे उसका रीजन है क्योंकि उनका ब्रेन अब पूरा उसमें चला गया। मुझे ये भी बताना है मैं लखनऊ से हूँ, मुझे ये भी बताना है मैंने ग्रेजुएशन में, मुझे ये भी बताना है कहा नौकरी कर रहा हूँ। तो वो बताते हैं कि सर अब वो जैसे ही क्वेश्चन पूछा माइंडसेट चेंज हो गया। अभी वो क्या सामने से निकलता है, सर मेरा नाम ये है, मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से करी है। अब वो एक्चुअली आदत उनकी ऐसी है, वो पूरा पूरा ही बैकग्राउंड बताते हैं कि ग्रेजुएशन भी बताएंगे, इंजीनियरिंग बताएंगे, सभी बताएंगे। तो जैसे ही वो बताना चालू करते हैं वो बीटा फ्रेम में होंगे काम अच्छा। फिर वो एक आधा पूछ भूल जाए बताना, और भी अच्छा मौका है पूछो वो। और वैसे आप लोकेटेड कहाँ हो इंडिया, वो कहेंगे सर वैसे तो मैं लखनऊ का हूँ लेकिन मैं अभी दिल्ली हूँ। तो अभी आपको पूरा रूम मिल गया बात करने का, है ना, आपने अल्फा फ्रेम गेन कर लिया अभी। उसके बाद बता दिया, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन होता है कि जैसे अगर वो जॉब में है, मैक्सिमम जॉब की ले लेते हैं एक एग्जांपल जॉब में, तो मैं उनसे बोलता हूँ देखिए आपकी बात हुई है आलोक जी से और कुछ मैसेजेस आपके एक्सचेंज हुए हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर समथिंग। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आर यू लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब और यू आर लुकिंग फॉर सम बिजनेस अपॉर्चुनिटी अलोंग विद योर जॉब। तो अभी वो कर गया था, नहीं नहीं सर मैं तो ये सोच रहा था कि सर जॉब दिला दें, तो बस यहाँ पे प्लान खत्म हो जाता। तो उसके बाद में प्लान खत्म हो जाता है क्योंकि वो बंदे को जॉब ही चाहिए। आप बिजनेस बता लो उसको, लाइफ स्टाइल वीडियो दिखा लो, 100 किताब, उसे जॉब ही चाहिए। तो अभी वो किसी और माइंडसेट से आया, डिस्टर्ब मत करो, बोलो ठीक है परफेक्ट, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं अभी जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है एंड वी आर नॉट गोइंग टू ऑफर यू एंड वी कैन नॉट ऑफर यू जॉब, है ना। तो आपको अगर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अगर आप इस मीटिंग में आए तो वो वहां पॉसिबल नहीं है। We are into business and we are helping people who are in job and want to build their own business, entrepreneurial project. So if you are interested, ready to spend your time into this project, toh hum baat karenge, varna there is no point, hai na? Bahut achha laga aapse milke. Uske bolne se pehle, haan na karne se pehle, mainne bahut achha laga aapse milke. Kare, nahi, sir, business hi bata do. Maine kaha, business toh main bata dunga, lekin ek baat batao, aapne koi business kiya hai waise aaj tak, thoda sa mainko batao, koi abhi aaj tak kara ho. बोला नहीं सर बिजनेस कोई नहीं करा। अब वो बिजनेस कोई नहीं करा तो फिर दोबारा अल्फा फ्रेम गेन हुई। मैंने चलो ठीक है, तो अगर मान लेते हैं हम बिजनेस अगर आपको करना हुआ तो किस तरीके का बिजनेस के अंदर में आप इंटरेस्टेड होंगे, आप क्या इन्वेस्टमेंट का क्या, आप इन्वेस्टमेंट मतलब आप इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करना चाहोगे या बिना इन्वेस्टमेंट। तो कहते सर इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकते मैं, तो फिर बिजनेस कैसे करना चाहते हो, किस तरीके का बिजनेस, मैं टाइम कितना लगाऊंगा। तो बोला मैं तो जॉब में हूँ। तो मैंने कहा आप ये कह रहे हो कि कम टाइम में बिना पैसे लगाए बिजनेस करना, मैंने कहा बोलते हैं हाँ। मैंने कहा फिर तो कौन से बिजनेस आपको लगते हो सर, तो खुद ही बोलता है सर डायरेक्ट सेलिंग हो सकती। मैंने को पसंद है आपको डायरेक्ट सेलिंग तो वो बोलता सर, वो फिर अपने आप ही बोलता है कि नहीं सर डायरेक्ट सेलिंग तो मुझे पसंद नहीं। तो मैंने कहा फिर तो कोई और ऑप्शन तो मेरे को समझ में नहीं आ रही, बट व्हाट वी यू कैन डू इज डायरेक्ट सेलिंग एक और बहुत बढ़िया ऑप्शन है जो हम आपको ऑफर भी कर सकते हैं, है ना। और उसके अंदर में आप अपने जो भी आपने अभी बताया कि आपके पास टाइम भी कम है, यू डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट और यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन इज वेल, तो इसमें आप कर सकते हो, इसमें मैं आपकी मदद भी कर सकता हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि मैं मदद तो करूंगा आपकी लेकिन उसके लिए कुछ चार्ज नहीं करूंगा आप, एंड वी हैव अ बिग टीम, वो भी चार्ज नहीं करेगी। तो यू कैन गिव इट अ ट्राई। अभी आपने बोला कि ऑप्शन नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ, लेकिन इफ यू हैव 4-5 days इन अ वीक जो आप बिजनेस में लगा सकते हो अलॉन्ग विद द इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली वर्ल्ड इज ओपन टू यू, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। तो अभी वो क्या है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अभी सारी बातचीत से क्या हो रहा है उसे ये समझ में आ रहा है बहुत ऑप्शन नहीं मेरे पास। खुद ही बोला उसने 6 दिन काम कर रहा है, खुद ही बोल रहा है पैसे नहीं लगाने उसको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसी का जो माइंडसेट है उसी के बात करके उसी से कुछ क्वेश्चन पूछ के उसको ये समझ में आ रहा है कि मेरे पास जो है ये है। अब मैं बोलता हूँ कि देखो एक और हेल्प मैं आपकी कर सकता हूँ, इफ यू हैव एनी फियर डाउट अबाउट डायरेक्ट सेलिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर इफ यू विल गेट अ लेजिटिमेट आंसर्स तो उसके बाद में मेरी कुछ शर्तें होंगी जिसको अगर आप मानते हो तो वी कैन गो अहेड। तो कोई क्वेश्चन फियर डाउट तो उसकी, अभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला पार्ट आ गया सर, वो ऐसा है ना मैं तो सामान नहीं बेच सकता, मैं तो लोगों से बात नहीं कर सकता, मेरे तो लोग नहीं है, मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। फिर वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जो भी हम करते हैं कि ठीक है दिस इज अ गुड थिंग, अगर आपके पास लोग नहीं है दिस इज अ गुड थिंग, क्योंकि जो होते तो कितने होते, 200 होते 300 होते, 200-300 से कितना बिजनेस बना लेते। तो वो सब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के क्वेश्चन। अब वो दूसरा पार्ट आ गया जिसके
अंदर में जितने क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्शन हैंडल करो। अभी ऑब्जेक्शन हैंडल का मतलब क्या है, हम डायरेक्ट सेलिंग बता रहे हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हैं, तो क्या होता है क्वेश्चन तक ही तो बंदा नहीं पहुंचता ना, वो पहले ही गायब हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है पता नहीं कितनी और अपॉर्चुनिटीज है उसके पास। तो ये हम उससे क्वेश्चंस पूछ के, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, सही तरीके से उससे क्वेश्चन पूछते हैं, एक के बाद एक सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, और जो अल्फा फ्रेम जो हम गेन करते हैं शुरुआत में क्वेश्चंस पूछते के बाद, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब आप एक दो एग्जांपल जैसे ले लो, कई बार क्या होता है जैसे मैं लोगों से डायरेक्ट ही बात, मतलब डायरेक्ट सेलिंग की बात की है लेकिन एमबीए की बात नहीं करी, फिर भी लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हम सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे अगर हम किसी को ले आए तो आप ये समझो वो प्लान चल रहा है। प्लान किसको नहीं पता है आज की डेट में, उसने एमवे का नहीं देखा होगा, लेकिन क्या किसी डायरेक्ट सेलिंग का नहीं देखा होगा, तो देखा हुआ है ना उसको, वो कर क्यों नहीं रहा है, वो कर इसलिए नहीं रहा क्योंकि आज तक उसके क्वेश्चन के लेजिटिमेट आंसर नहीं मिले उसको। तो क्वेश्चन आंसर पे अगर वो आ गया, क्वेश्चन साइन है कि इट इज फियर मिक्स विद इंटरेस्ट, क्वेश्चन इज अ साइन ऑफ फियर मिक्स विद इंटरेस्ट। अगर उसने क्वेश्चन पूछने चालू कर दिए, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, मेरे प्रोफाइल को सूट नहीं करता, उसने अभी तक नहीं कर रहा ये विधि, है ना, तो अब उसके क्वेश्चंस के आंसर जैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग खत्म होती है, जैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग खत्म होती है उसके बाद में आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो। नाउ अभी आप लॉजिकली सोचो, बिकॉज यू आर सक्सेसफुल पर्सन, 5 साल से जॉब कर रहे हो, 10 साल से जॉब कर रहे हो, What to lose and what to gain? If you are clear here, दिमाग में अगर क्लैरिटी है आपके, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, क्लैरिटी है तो क्लैरिटी को मतलब लाना वो काम, एक्चुअल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से लोग साइन होते हैं। वो क्वेश्चन जो उनके दिमाग में सालों से घूम रहे, कोई आंसर नहीं कर पाया, वो ही मेन चीज है। जैसे ही वो क्लियर होंगे वैसे ही वो साइन करेगा, आज करे, 5 साल बाद करे, चाहे 10 साल बाद करे, जब तक उसके वो क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे, वो सेटिस्फाई नहीं होगा, तब तक वो साइन अप नहीं करे। और उस क्वेश्चन पे लाना और उस क्वेश्चन को हैंडल करना, उसके बाद साइन अप हो जाता है। फिर मैं उसको ये बोलता हूँ, देखो ट्रेनिंग करना है, प्रोडक्ट यूज करना है, बाहर से ले रहे हो, और देख दो क्वेश्चन वैसे पूछ देता हूँ आपसे। मैंने कहा अगर कल को अगर आपने अपना बिजनेस शुरू किया तो आपका कॉम्पिटिटर है, मान लीजिए कोई भी आपका कॉम्पिटिटर है, उसकी दुकान सामने आपकी इधर, तो उसकी दुकान से खरीदते यूज करोगे, ये तो नॉर्मल जनरल सबको याद है क्वेश्चन, तो कहता है अपनी से, तो मैंने कहा ठीक है यहाँ पे भी अपने प्रोडक्ट यूज करो और सीखो ये बिजनेस कैसे होता है, दो काम करो और बाकी जो चीजें हैं वो टीम पे छोड़ दो, वो काम करेगी, है ना। मार्केटिंग सेल्स ये सारी की सारी चीजें आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप तो कर ही नहीं सकते, आप तो नए किसी भी बिजनेस के अंदर। वो मैंने पहले भी एग्जांपल कई बार शेयर करा, भाई अगर आपका रेस्टोरेंट है तो आप मालिक को खाना आप थोड़ा बनाओगे, तो शेफ बनाएगा। तो लेट द टीम वर्क, डू देयर वर्क एंड डू योर वर्क, और लेट सी व्हाट वी कैन डू टुगेदर, बट द बेस्ट थिंग इज देयर इज नथिंग टू लूज, इफ इट वर्क्स देन व्हाट एंड व्हाट आर द ऑप्शंस यू हैव। तो लोगों को रियलाइज कराना उस 15-20-25 मिनट के अंदर में, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, दैट इज ऑल आई यूज टू डू, जितने लोगों के साथ में काम कर रहा हूँ यही करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो एमवे का प्लान है वो तो एक बार उसका माइंडसेट बन गया ना सीखने का, तो वो सीख जाएगा, वो अपन कैलकुलेशंस वगैरह बीएफआई बीबीए सब समझा सकते हैं। लेकिन सबसे पहली इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी चीज क्या है, वो बिजनेस में आज तक क्यों नहीं, वो आज तक क्यों नहीं कर रहा है यार, हम कर रहे हैं, हम पागल तो नहीं, हमने कुछ सोचा समझा, हमें कुछ अच्छा लगा, उसे क्यों नहीं अच्छा लगा, उसे समझ नहीं आया ना, उसकी कुछ फियर्स है ना। तो हमारा प्लान इज ऑल अबाउट क्लियरिंग द फियर्स एंड डाउट्स ऑफ द अदर पर्सन, दैट इज फॉर मी दैट इज एमवे प्लान, और कैलकुलेशंस आर अ लेटर थिंग फॉर जो मैं करता। सर कोई क्वेश्चन है इसमें स्पेसिफिक तो perfect, 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 perfect. हो जाएगा। नहीं नहीं परफेक्ट हो गया बिल्कुल। और Dr. Nalin, would you like to add something on that before we go to question answer round? Sir, कुछ आप add करना चाहते हैं? ये अंकित का और जो एक सेकंड मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी जो डॉक्टर मिश्रा बोलेंगे इसके बाद आप सब लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। तरीका क्या होगा, मैं जब पूछूंगा तो आपने हाथ उठाना है और फिर हम उसका प्लीज आस्क, क्योंकि देखिए कोई भी इस तरह का जो सेशन होता है ना उसमें बहुत बार स्पेसिफिक आप चाहते हैं कोई चीज, कोई पर्टिकुलर चीज चाहते हैं स्पेसिफिक, दिस इज द राइट टाइम, है ना। बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर जो है। जी डॉक्टर मिश्रा, सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया। सर अंकित का और हमारा जो अप्रोच है उसमें थोड़ा सा बस एक फर्क है कि
ये जो ऑब्जेक्शंस क्वेश्चंस पे वो आएगा ही तब जब इंटरेस्टेड होता है। तो जब हम उससे पहली बार जूम पे मुलाकात करते हैं तो हम उससे पूछते हैं, बहुत सारी चीजें पूछते हैं कि बिजनेस का क्या आइडिया है, ये सब जो अंकित ने कहा बिल्कुल फैंटास्टिक क्वेश्चंस, आई आल्सो आस्क देम। कि फिर मैं पूछता हूँ तुमने कभी सुना है डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? अभी अंकित का जो एग्जाम्पल था उसमें था कि ही हिमसेल्फ सेड कि उसे पता है डायरेक्ट सेलिंग, तो वो जब नहीं बोलता तो मैं पूछ लेता हूँ डू यू नो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, डू यू नो व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो मैं पूछता हूँ क्या पता है बताओ, व्हाट डू यू नो अबाउट, तो जो भी उसको मालूम होता है, तो मैं कहता हूँ तुमको लगता है क्या कि इज इट गुड यू कैन डू इट, और कुछ ऐसा है जो तुम नहीं कर सकते? तो फिर अगर उसने कहा कि हाँ ये ठीक है तो फिर हम उससे आगे बात करते हैं। अगर उसने कहा कि हाँ सर पता तो है इन्होंने किया, जैसे जनरली लोग कहते हैं ना कि हमारे उन्होंने किया था तो उन्होंने किया था, तो मैं कहता हूँ देखो अब आगे की बात तभी होगी अगर ये सब जो तुम्हें पता है इसको तुम पीछे रख सकते हो, इफ यू आर रेडी टू कीप इट इन बैक ऑफ योर माइंड तो हम आगे बात करते हैं, और अगर इसी पे रहना है तो शायद बात करने से कोई फायदा नहीं है। तो अगर तुम रेडी हो कि तुमको और कुछ हम बताएं कि जो तुमने देखा है वो क्या है और जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो क्या है, इफ यू आर रेडी देन विल टॉक। तो अगर वो विलिंग होता है और मुझे लगता है कि हाँ इससे बात करने से फायदा है तब तो मैं करता हूँ, और मुझे ये लगा कि नहीं वो रिजिड है उसको मुझे कहीं ना कहीं फिर बाद में उस कन्विंसिंग वाले पे आ जाना पड़ेगा, वो मतलब आई विल बिकम बीटा, तो मैं छोड़ देता हूँ नहीं करता फिर मैं। इफ ही वॉन्ट्स टू नो देन आई विल टेल हिम, इफ ही वॉन्ट्स टू टेल कि नहीं ये नहीं है ये ठीक नहीं है तो देन आई एम नॉट रेडी टू एक्सप्लेन द थिंग्स टू हिम, मुझे लगता है उससे अच्छा किसी दूसरे से बात कीजिए। इतना फर्क है सर, और मुझे लगता है दोनों ही ठीक है, जो जिसको जो जिस ठीक लगता है वो करे ना, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर मैं सबको ये बोलूंगा, बोलिए बोलिए फिर मैं। नहीं मुझे मतलब ये कि आई थिंक ही शुड बी रेडी टू लिसन टू मी। परफेक्ट परफेक्ट। चाहे एमवे की बारे में हो चाहे जी इम्पोर्टेंट चीज जो समझ में आई है, जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे समझ में आई है अभी, एक तो सबसे पहली चीज, एक तो हमें बहुत जल्दीबाजी में नहीं रहना है ना, मतलब वी आर ऑफरिंग, और जब हम ऑफर करते हैं तो मेरे ख्याल से घर में भी कोई जबरदस्ती करके खिलाने की कोशिश करे तो शायद भाग जाए यार मेरे को क्यों खिला रहा है जबरदस्ती करके, बोल रहा यही वाला खाना है आपने, पूरा खाना है आपने, है ना। तो घर में भी दिक्कत हो जाए जिनके जो आपके बिल्कुल क्लोज लोग हैं, किसी दिन किसी की वाइफ या हस्बैंड इस तरह से खिलाने लग जाए तो वो तो सोचेंगे कुछ गड़बड़ होने वाला है, है ना। तो वहां पर तो मैं बहुत लाइट नोट में बोल रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे तो एक तो पहली चीज ये कि हमें किसी भी तरीके से ना, जो मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है कि हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग जल्दी में, है ना। जल्दी का मतलब हमेशा गड़बड़ होने का ही होता है, उसके दिमाग में तुरंत यही आता है ना, पहली चीज, है ना। जैसे अभी डॉक्टर मिश्रा ने बताया अपने उससे, बहुत बार ऐसा भी होगा कि आप देख रहे हैं आपको मैसेज मिल भी गया फिर भी आधा घंटा वेट करिए, एक घंटा वेट कीजिए, ये सोचिए शाम को दूंगा जवाब, कोई दिक्कत नहीं है, पॉस्चर बिल्ड होगा, है ना। कभी 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 आपको ये लगना चाहिए, पहली चीज हो गया। दूसरी चीज आपके समझ में आनी चाहिए कि जब सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर लाखों लोग हैं, तो स्कैरसिटी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, है ना। आपके अंदर अबंडेंस की फीलिंग होनी चाहिए कि बहुत लोग हैं यार क्या दिक्कत, आप समझ रहे हैं ना। बहुत बड़ी दुकान है पर आपको वो पूरी थैली भरी है आम से और आपको 2 किलो आम लेना है, तो छांट छांट के ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, है ना। तो पहली चीज ये कि आपके दिमाग में मतलब उसको क्या, देखिए असली चीज ये नहीं कि अंदर क्या चल रहा है, अंदर तो चलेगा, एक्साइटमेंट भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन उसको दिखना नहीं चाहिए, उसको ये लगना चाहिए कि आपके पास कुछ ऐसा है जो उसको भी ऐसा लगना चाहिए, आपको भी ऐसा लगना चाहिए कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो हम उसको देंगे तो उसकी लाइफ चेंज हो सकती है, और है भी ऐसा ही। तो मुझे जब ये बिजनेस जिसने दिया मुझे तो मेरी लाइफ चेंज हुई ना उससे, अब मैं क्यों सोचूं कि उनकी लाइफ में क्या फर्क पड़ा, मेरी लाइफ बदली कि नहीं बदली, ऐसे ही इस तरीके से ऑफर करना। दूसरी जो सबसे अच्छी चीज जैसे अंकित बोल रहे थे, देयर इज नथिंग टू लूज, हम उसके उस पॉइंट तक लेके आ जाए कि भाई क्या मतलब क्या खोएंगे हम, व्हाट इफ वी वर्क, व्हाट इफ इट वर्क्स, है ना। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अंकित और डॉक्टर नले ये बहुत बार इस चीज को कर चुके हैं, इसके बाद अब जाके ये इस क्लैरिटी पे आए हैं, तो इसको समझने से काम नहीं चलेगा, इसको करना पड़ेगा, बाद समझ में आना, इसको आप बिल्कुल रिकॉर्ड कर लो, सब कुछ कर लो, तो भी कल से रिजल्ट नहीं आने लगे। बट ये पक्का है, ये मैंने कभी सुना था कि जो 100वां प्लान होगा ना आपका, वो 10वें प्लान से अच्छा होगा, लेकिन दिक्कत एक ही है, 100वां 100वें नंबर पे है, वो 10वें नंबर पे नहीं आ सकता, है ना। तो जल्दी 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 जब प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, जल्दी 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 लिंक्डइन को, लेट्स टेक लिंक्डइन,
अभी अपने उसमें ले लीजिए, है ना, और बहुत सारे मौके मिल सकते हैं आपको। तो मेरे ख्याल से काफी चीजें हमारी क्लियर होगी। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर राउंड, है ना। सो जैसे मैंने बताया था, नियम एक ही है, आप में से जिसका क्वेश्चन अंकित लेट टू एड समथिंग, प्लीज। हां, वो मैं ये बोल रहा था, मैं ये बता रहा था नलिन सर, जैसे आप बोल रहे थे ना कि जैसे आप डायरेक्ट सेलिंग बताते हो, एक्चुअली बहुत सारे अलग अलग होते हैं और सारे प्लान एक जैसे नहीं होते। वो ऐसा होता है कि जैसे हम सामने वाले की शक्ल देखते हैं, कुछ लोगों का ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग ब्लैक होल की तरह बैठे हैं कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जा रही है आ नहीं रही है, तो हमारा प्लान पहले शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है। हम सिर्फ सामने वाले की रेस्पेक्ट रखने के लिए कुछ बात कर रहे होते हैं, तो कई बार ऐसे भी प्लान होते हैं। तो ऑल प्लान्स आर नॉट सेम। तो एक और अप्रोच है जो मैं बहुत यूज करता हूँ, जिसके अंदर मैं बताता हूँ कि मेरा नाम अंकित है, मैं पिछले 20-22 साल से बिजनेस कर रहा हूँ और मैं एक्टिव इनकम फ्रेम में था, और फिर बाद में 2014 में मैंने एक किताब पढ़ी बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, उसमें लिखा था कि एक्टिव इनकम पैसिव इनकम, पैसिव इनकम के दो तरीके, एक प्रॉपर्टी खरीदो रेंट और दूसरा डायरेक्ट सेलिंग। व्हाट डू यू नो अबाउट डायरेक्ट सेलिंग? सो दैट इज हाउ आई ब्रिंग हिम टू डायरेक्ट सेलिंग। तो दीज आर डिफरेंट फॉर्मेट्स, और ऐसे 15-20 फॉर्मेट्स है, पता नहीं उससे ज्यादा भी हो, पर वो करते करते जैसा सामने वाला दिखाई देता है ना, ये बात पक्की है, अल्फा फ्रेम गेन करना आता है जब कोई आ जाए दुनिया। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव इज द अल्फा फ्रेम। तो कई बार ऐसा लगता है कि इसको मुझे ग्रेजुअली लेके आना है, तो वो स्टोरी एक्चुअली वो ऐसे, मैं हमें पहले भी बात, मैं बोलता हूँ आपकी स्टोरी ही इतनी ग्रेजुअल होनी चाहिए कि उसको पता ही ना लगे कि वो डायरेक्ट सेलिंग सुन चुका है पूरा, और उसके बाद उसे ये भी ना पता लगे कि वो जिस चीज के ऊपर नॉड कर रही है वही है जिससे वो भाग रहा है पिछले 15 साल से, है ना। सो इट वॉज, इट शुड बी सो ग्रेजुअल। मेरा नाम अंकित है, 22 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, एक्टिव इनकम बनाता था, आई वॉज कम्फर्टेबल, मैंने किताब पढ़ी, उसके अंदर दो ऑप्शन बताई थी, एक एक्टिव इनकम एक पैसिव इनकम। एक्टिव मैं बना रहा था, पैसिव इनकम के दो ही सोर्स थे, एक रेंटल इनकम और दूसरा डायरेक्ट सेलिंग। डू यू नो अबाउट डायरेक्ट सेलिंग? राइट, बहुत बढ़िया। उसके बाद में जो आपका वर्जन है वही वर्जन है मेरा, सेम क्वेश्चन आंसर, हैंडलिंग साइन अप डन। यस, परफेक्ट परफेक्ट। देखिए मुझे लगता है, मुझे लगता है कि जब हम ये कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं उस टाइम पे कहीं ना कहीं आप एक चीज को समझिए, देखिए उसको एक चीज और लग रही होती है, और जो लगनी चाहिए उसको कि आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, और जब आप वो एक्सटेंड करेंगे ना सपोर्ट, तो उसको लगेगा कि हाँ इनके साथ हो सकता है, ये साथ में रहेंगे तो हो सकता है। ऐसा हमने कई बार सुना है हम लोगों, मेरे को ऐसे ऐसे लोग मिले थे जिन्होंने 4 बार डायरेक्ट सेलिंग किया, छोड़ दिया, और फिर हमारे से बात होनी शुरू हुई, और फिर जब हमने उनसे पूछा कि भाई आपको क्या लगता है, बोला नहीं अभी आप सपोर्ट करोगे तो हो सकता है, मुझे लगता है। आप समझ रहे हैं इसको, और यही हमें मैसेज भी देना होता है उसमें कि कहीं ना कहीं वी आर अ टीम। बिल्कुल, तो मैं चाहूंगा अभी दो लोगों ने हाथ उठाया, और लोग भी जिनके क्वेश्चन है हाथ एक बार उठा देना, एक एक करके बुलाएंगे सबको, है ना, हाथ सब उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके हाथ नहीं उठाना। और मैं डॉक्टर वाजपेयी से या आनंद से बात बोलूंगा कि एक एक करके हम लोग अनम्यूट करेंगे उनको और उनको फ्रेम में लेके आएंगे। सर जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया है उनको फ्रेम में हम नहीं ला पाएंगे। हाँ, वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछना है, तो पहले अजय से पूछते हैं क्वेश्चन हम लोग, है ना। गुड मॉर्निंग ऑल, थैंक यू वेरी मच आलोक सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नलिन एंड अंकित, यू आर ग्रेट, मार्वलस ट्रेनिंग, और बहुत जबरदस्त सेशन है ये जो मैं अप्रिशिएट एंड बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एंड इसमें कुछ चीजें जो हैं जो पार्ट एंड पार्सल जो हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक प्रोसेस के दौरान करी थी, ये उससे मिलता जुलता सही सेशन मेरे को लग रहा है, MG1 MG2 इन समथिंग लाइक दैट। मेरा बस एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, आपने मैसेज भेजा, बंदे ने श्योर कहा, आपने उसे जूम मीटिंग में फिक्स किया, जूम मीटिंग में हमने पहला अप्रोच करनी शुरू करी एंड द फर्स्ट सेशन, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, मतलब कितना समय हमें उस समय रखना चाहिए पहले सेशन को या दूसरे सेशन को, या पहली बार में सारी बातें हम फ्लोट कर दें, समथिंग लाइक दैट, मतलब कितना गैप होना चाहिए। वो तो हम जो आंसर दे रहे हैं उसमें तो डेफिनेटली वी आर इंडियंस, तो सही टाइम पे रिपोर्ट नहीं आंसर देना चाहिए, ना वो सोचेगा हम ही उतावले हैं, हम ही जल्दी में है, वो मैं समझ रहा हूँ, बट एक मीटिंग के बाद सेकंड मीटिंग के लिए या उस मीटिंग में कितना समय देना चाहिए उस कैंडिडेट को, उस पर्सन को, उस प्रोस्पेक्ट को, दैट इज माय क्वेश्चन। कौन देना चाहेगा पहले आंसर, हाथ उठा सकते हैं दोनों में से, ऐसे वाला हाथ उठा सकते हैं, ऐसे वाला, कोई दिक्कत नहीं, जिसको लग रहा है कि हाँ मैं दे सकता हूँ, ठीक है डॉक्टर मिश्रा आप बोलिए, फिर उसके बाद अंकित से भी मैं चाहूंगा लेने के लिए, और अजय सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है ना। राइट सर, राइट सर। अजय सर इसमें क्या है, ये जो प्रोसेस है वो खुद आपको गाइड करेगा कितना समय दिया जाए।
आप पहले से यू कैन नॉट डिसाइड, क्योंकि जिस ढंग से बात कई बार जो इस जूम के सेशन 2 मिनट में खत्म हो जाते हैं, राइट सर, क्योंकि वो आप बात ही अजीब सी करेगा कि आप खुद बात खत्म कर दो, ये भी होगा ना, दैट्स गुड। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कितना टाइम देना ही देना है, अगर वो सुनने के लिए तैयार है तो हम ये काम करते हैं कि हम उसको डिटेल प्लान नहीं दिखाते पहली मीटिंग में, पक्का है, राइट सर। जो हमारा जो प्रेजेंटेशन है कि उसको हम सब 3% 6% ये नहीं बताते हैं, हम उससे बातचीत करते हैं कि क्या उसको आइडिया है कि एमवे बिजनेस क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो उसके बाद फिर हम उसको एक चीज और कुछ कोई ना कोई और मटेरियल देते हैं, उसको कहते हैं देखो ठीक है, इट्स वेरी गुड दैट यू नो दिस, और आज बड़ा अच्छा लगा तुमसे मिलके, बहुत बढ़िया मीटिंग हुई हमारी, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग यू एज माय पार्टनर, बट उसके बाद मैं बट लगाता हूँ, बट ये देयर सर्टेन थिंग्स मोर जो हम लोग को अभी क्लैरिटी होनी चाहिए इसके बारे में। तो ऐसा करते हैं, एक ये लो, एक मैं भेज रहा हूँ ऑडियो, थोड़ी और तुम्हारी जानकारी बढ़ेगी, इसको देखो, और फिर एक जैसे होता था ना पहले मैम फैम ना, फिक्स अ मीटिंग आफ्टर अ मीटिंग, तो एक मीटिंग करते हैं उसके साथ और फिर उसके बाद फिर बैठते हैं, फिर देखते हैं क्या हो रहा है। एक्चुअली मेरा जो है जो इट इज गाइडेड बाई प्रोसेस, वाई एग्जैक्टली वो एक एक स्टेप्स नहीं है, बट जो एसेंस है वो ये है, बिकॉज सोशल मीडिया पर अननोन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, और अन लोगों को अगर मैं समझाने की कोशिश करूंगा अननेसेसरी, वो समझाना नहीं चाह रहे और मैं समझा रहा हूँ, तो आई विल बी वेस्टिंग माई एनर्जी एंड टाइम, ये मेरे दिमाग में क्लियर है। तो एक एक बात ऐसी करते हैं कि उसके साथ आगे बढ़ रहे हूँ, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे, और एक चीज ऐसी आती है बहुत बढ़िया रिलेशनशिप बन जाती है। अभी एक प्रॉस्पेक्ट है ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में, तो ऑस्ट्रेलिया में भी हमारा बिजनेस है, वहां के लिए भी मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ। एक डॉक्टर है, उससे ज्वाइन नहीं किया उसने भी, अब पता नहीं करेगा भी नहीं करेगा, लेकिन इतनी अच्छी जान पहचान हो गई, तमाम सारी चीजों के बारे में पूछ रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं, वो सब हो रहा है। मैं भी उसको नहीं कह रहा हूँ बिजनेस करने के लिए, वो भी मुझे नहीं कह रहा। तो जो मेन चीज है, जैसे अभी अंकित ने कहा ना, आलोक जी ने भी कहा, पेशेंस बड़ा जरूरी है, धैर्य रखना जरूरी है, और हम जल्दी में नहीं, हम क्लियर कर देते, तुम जल्दी में हो तो ठीक है हम भी आ जाएंगे, बट आई एम नॉट इन हरी। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। या थैंक यू सर, थैंक यू। अंकित, अंकित कुछ बोलना चाहोगे? अंकित आप बताओ। जी सर, मैं अगर सही समझाऊं तो क्वेश्चन ये है कि जो प्रोसेस है मैसेज भेजने से लेके और लोगों को प्लान दिखाने तक, वो कितना टाइम लेगा, ये क्वेश्चन है, या फिर जब हम ये क्वेश्चन है नहीं, जब आप फर्स्ट टाइम मिलेंगे उनसे वीडियो में, ठीक है, वो कितनी देर की कन्वर्सेशन होनी चाहिए फर्स्ट टाइम वाली? ओके, और उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या प्लान उसमें? जी जी जी, नलिन सर वो समझ, सॉरी मैं वो इसलिए क्लैरिटी, पहले क्वेश्चन क्लियर होता तो फिर तो आंसर। तो नलिन सर जो कह रहे हैं वो कन्वर्सेशन आपकी 5 मिनट में खत्म हो सकती है, 30 सेकंड में भी। एग्जांपल देता हूँ, कल हम लोग एक वीडियो कॉल पे थे, तो वीडियो कॉल पे थे और हम दोनों ने, मैंने और कौशिक जी ने कैमरा खोल रखा था, उसने कैमरा नहीं खोला तीसरे बंदे ने, तो मुझे पता था नहीं खोला, तो हमने बात नहीं करी, तो कौशिक जी कुछ बोल रहे थे, मैंने कहा मिस्टर कौशिक आप रुक जाओ, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है महेश जी के उसमें फोन में, तो पहले वो रिजॉल्व हो जाए, उनका कैमरा ऑन हो जाए तब बात करें। बोले नहीं सर मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका नहीं, ये मेरा चैलेंज है, मेरे को ना थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है जब तक मैं लोगों की शक्ल नहीं देखता या फेस टू फेस नहीं आते, मेरे एथिक्स हैं, बिजनेस एथिक्स, मैं कुछ डिस्कस नहीं करता। तो कोई बात नहीं, जब आप उस अटायर में होंगे कि हम लोग आपने सामने एक दूसरे को देख पाए, दोबारा करेंगे। सो थैंक यू सो मच। बोला नहीं सर 2 मिनट दो, 2 मिनट दो, फटाफट वो पीछे से शर्ट वर्ट पहन गया, वो साइन अप भी हो गया। तो अल्फा फ्रेम गेन करो, अल्फा फ्रेम, मौका तो सामने वाला दे रहा है ना गलती करके, उसकी गलती को मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल टोकना। तो वो मीटिंग 30 सेकंड में खत्म हो जाती है अगर उसने नहीं पहना तो खत्म, पर वो मीटिंग में तो 30 सेकंड में खत्म होनी थी, वो 40 मिनट चली। अब वो 40 मिनट के अंदर में मीटिंग कितनी देर चलेगी, ये इस पे डिपेंड करेगा कि सामने वाला कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, और क्वेश्चन पूछ रहा तो इंटरेस्टेड है ना। अगर वो आपको ऐसा जैसे मैंने आपको ब्लैक होल जैसा लग रहा है, आप बोल रहे हो और समझ नहीं आ रहा जा कहां रही है इंफॉर्मेशन, तो आप अपने प्लान को छोटा करो, जाओ कुछ भी करो चाहे, है ना, एंजॉय योर डे, एंजॉय टाइम विद योर फैमिली, उधर टाइम वेस्ट मत करो, इट्स लाइक अ ब्लैक होल, खत्म करो। तो इट ऑल डिपेंड्स अप टू यू, एंड इट ऑल डिपेंड्स हाउ मेनी क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। अगर इंटरेस्टिंग है सेशन तो बढ़ाओ, वरना नहीं बढ़ाओ, सिंपल है। और जो करो ना अपनी टर्म्स के ऊपर में करो। आप, मैं क्यों बोल रहा हूं, आज ही कॉन्फिडेंस रखो
एक बात सोच के देखो, पैसे ले रहे हो क्या आप उससे? ज्वाइनिंग के पैसे ले रहे हो? नहीं ले रहे ना। कुछ मांग रहे हो आप उससे? डॉक्यूमेंट मांग रहे हो? अपना साइनअप खुद करेगा वो। क्या मांगा आपने? ट्रस्ट इश्यू कहां से आएगा? चेक मांग लिया क्या आपने? डिटेल मांग ली क्या? क्या मांगा? किस बात के लिए? किस बात के लिए मैं वेट करूं? 5 मिनट वेट करता हूं, उसके बाद मैसेज टाइप कर रखा है, वेटेड फॉर 5 मिनट्स, we had another meetings, whenever you will have time again just let us know, we'll fix the another meeting. 5 minute done, khatam, so jaunga uske baad plan nahi dikhaunga, hai na? To main sirf kya bolna cha raha hu, le kya rahe ho aap unse, mujhe ye bata do aap kya le rahe ho, kiski wajah se ruke ho? Acha ek aur baat batata hu, aur kis baat ke liye, kis baat ke liye samne wala jo insaan hai wo kis baat ke liye humse unchi awaaz mein ya galat question pooch sakta hai? जबकि अगर उसे एम्बे बिजनेस करना है तो हम ही मदद कर सकते हैं, और कोई है नहीं उसके पास, वो कर सकते हैं हमारी कोई मदद? मैं देखो ऐसे ना, ये बातें सब दिल में रखनी है, ये सब टीम तो प्यार से मैंने उसे बोला, अंदर तो मेरे यही थी सारी बातें, भाई क्यों भाई क्यों कैमरा क्यों बंद है भाई? गाना सुनने आयो, मैं एंटरटेनर हूँ, किस बात के लिए कैमरा बंद है? लेकिन बोला नहीं मैंने ऐसे, मैंने उनको ये बोला कि इनका कैमरा खराब है। तो एक्चुअली मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, जब सामने वाला अंधा है आप बोलो अंधा, अरे उसको पता है वो अंधा, उसे दिख ही नहीं रहा, ऐसे नहीं बोलना हमने उसको, पर हमें उसे मैसेज जरूर कन्वे करना है बहुत ही पोलाइटनेस, तो अल्फा फ्रेम गेन हो जाएगा, उसको बीटा में अपने आप आ जाएगा बोले ना बोले, है ना? तो अपने आप डिसाइड करें कितना बात करें कितनी करें। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पॉइंट नोट करने वाला है कि Zoom पर अगर वो कैमरा ऑन नहीं करता तो बात नहीं करता, मैं भी नहीं करता बिल्कुल, आई एम नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू अ ब्लैक स्क्रीन। ग्रेट ग्रेट, तो मंजू अग्रवाल जी हैं नेक्स्ट हमारे पास, आई एम सॉरी सबसे पहले हाथ उन्होंने उठाया था बट वी मिस्ड, तो आनंद मंजू जी ओवर टू। गुड इवनिंग सर। सर मेरे को MBA स्टार्ट किए हुए 5-6 महीने, मतलब मोर देन 1 ईयर होने आ रहा है, उसमें मेरे 2-3 हजार से अधिक मैंने मैसेज करे और 700-800 मेरे को रिप्लाई भी आए। दे आर ज्वाइनिंग जूम मीटिंग भी करते हैं, और जब उनको मैं बोलती हूँ कि तुम्हें कुछ प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे, विदाउट फील एंड टच यू कॉन्ट डू बिजनेस, तो वो बोलते हैं कि ओके वी विल बाय, आते हैं बात करते हैं सब एग्री हो जाता है, लास्ट में पता चलता है प्रोडक्ट के बारे में बात आती, दे एग्री करके फिर वो बाद में कह देते हैं सॉरी मैम वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी डोंट हैव टाइम एट ऑल। तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, मेरा पहला क्वेश्चन ये। सेकंड क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो मुझसे ये पूछते हैं कि मैम MBA का भी कुछ गवर्नमेंट इश्यू आया है तो क्या आप हमें उसके लिए प्रूफ दे सकते हैं? तो सर मेरे को उनको प्रूफ देना चाहिए या उनको रिजेक्ट कर देना चाहिए? क्यों मैं प्रूफ दूं जब मैं ही अपने लिए प्रूफ नहीं ली हूं, तो क्या मुझे उन्हें प्रूफ देना चाहिए? सेकंड क्वेश्चन ये। थर्ड क्वेश्चन, मैं जैसे कॉन्सेप्ट लिखती हूँ मैं स्टार्टिंग में ही MBA लिख देती हूँ, तो मुझे लिखना चाहिए या वो भी मुझे नहीं लिखना चाहिए? विद MBA ही मेरे साथ काफी लोग जुड़े हैं, मुझे बहुत लोग श्योर बोलते हैं, व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, ज्वाइनिंग भी हो जाता है, मैंने उनको सब कुछ करती हूँ, लेकिन मेरा आगे का प्रोसीजर नहीं हो पाता, मैं वहाँ फेल हो जाती हूँ। बिल्कुल मैम, तो तीन क्वेश्चन है शायद याद होंगे, हु वुड लाइक टू आंसर दीज 3 क्वेश्चंस? बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ज्यादातर लोगों के हैं ये क्वेश्चन, है ना? बहुत सारे लोग जो एग्रेसिवली कर रहे हैं इस बिजनेस को और जब शुरुआत में होते हैं तो ये चैलेंज आता है हमारे पास, है ना? सर ये इसका आंसर अंकित को देना चाहिए कि तो हमारी टीम में है, हम तो इनसे बहुत बात करते रहते हैं। मंजू अंकित बताइए, आंसर देंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन ये था कि मेरी टीम में बहुत सारे लोग आते हैं, वो मीटिंग में आते हैं, मीटिंग में आने के बाद में जब सामान खरीदने को कहते हैं तो वो मना कर देते हैं। तो इसके अंदर में 2 चीजें, पहली चीज जो आदमी आपको लिंक्डइन से नहीं मिलते और जिनको हम प्रोस्पेक्ट करते हैं वो भी ये काम करते हैं, तो ये लिंक्डइन वालों के लिए नहीं, ये सोशल प्रोस्पेक्टिंग का नहीं है, ये तो हमारे बिजनेस के अंदर में जो हम हमारे फ्रेंड्स कभी रिलेटिव्स या एक्वाइंटेंसेस जो भी आते हैं ये पिछले 60 साल से चल रहा है, कोई नहीं। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए वो प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं और आपने जैसे जो शुरुआत में ज्वाइनिंग कराई है तो उनको बताना है कि भाई 1500 रुपए के प्रोडक्ट्स हमने आपने लेने हैं क्योंकि आपका ईयरली क्राइटेरिया। उसके बाद भी अगर वो नहीं लेते हैं तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हो, वो लोग ज्वाइन कर गए क्योंकि फ्री ज्वाइनिंग थी लेकिन एक्यूमेंट नहीं था, उनको बिजनेस समझ नहीं आया। अगर उन्हें बिजनेस समझ में आ जाता तो वो कर लेते, तो इस पे आपका कंट्रोल नहीं है।
मतलब इसमें मैं सर कोई मेरे को लगता है शायद दुनिया में कोई इसका सोल्यूशन नहीं है. फाइंड अदर पीपल. आप देखिए मुझे लगता है इसमें ना कहीं पे हमें देखना पड़ेगा नेटिग्रिटी में कि जब हम उनको ज्वाइन करा रहे हैं तो उस टाइम पे वो हाँ बोल रहा है और फिर वो समान खरीदने के लिए ना बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं पे गैप है कुछ ना कुछ मुझे लगता है. क्योंकि मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, मेरे साथ ऐसा तो हुआ है कि ज्वाइन ही नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि ज्वाइन करके वो सामान खरीदने के टाइम पे भाग जाए. इसका मतलब कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन है, या तो हम उनको शुरू में बता ही नहीं रहे कुछ भी. मंजू जी थोड़ा सा और एक मिनट, मंजू जी थोड़ा सा और एलिबरेट कर सकते हैं इसमें. जी मंजू जी अनम्यूट करना पड़ेगा शायद उनको. जी नहीं अनम्यूट है, अनम्यूट है. अच्छा अनम्यूटेड है, ठीक है ठीक. नहीं मेरे को जो लग रहा है मंजू जी कहीं ना कहीं पे ना देखिए हमें हमने मैंने मेरे को नहीं पता कि आप बात कैसे करते हैं. यदि हम देख लेंगे ना एक बार आपको अलग से हम लोग बात कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो गैप है. क्योंकि मेरे को ये लगता है देखिए जब जुड़ जा रहा है आदमी, जुड़ने के बाद काम करने के बाद उसको दिक्कत आती है कुछ टाइम के बाद, तब वो पीछे हटता है. ऐसा तो हो सकता है, मैं मान सकता हूँ कि वो कुछ और सोच के जुड़ा था, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा है, वो सामान ही नहीं खरीद पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पे. तो अंकित कुछ क्या बोल रहे थे? सर मैं ये कह रहा था ऐसे कुछ केसेस होते हैं जो ज्वाइन कर जाते हैं क्योंकि ज्वाइनिंग इज इजी, लेकिन ज्यादातर वो केसेस ना सर मेरे नजर में वो वाले होते हैं जो बिजनेस में आ जाते हैं बहुत कुछ समझ के नहीं आते. मतलब उनके लिए इट इज जस्ट अ साइन अप, वो कर लिया, या फिर कई बार हम ही कर देते हैं उनका साइन अप, तो उन्होंने साइन अप भी नहीं, तो क्या करें इसमें अंकित मुझे लगता है कि शायद हमें वो जो बाद वाला प्रोसेस है वो पहले कर देना चाहिए उनके साथ. जब साइन अप कराया उससे पहले उनको बोलते हैं हम लोग. देखिए कभी कभी ना हमें लगता है कि जुड़ जाए बस किसी तरीके से, और जुड़ जाएगा तो फिर कर ही लेगा, मीटिंग में आ जाएगा, तो वो नहीं होता. मुझे लगता है हमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी इसमें. पहली चीज ये कि मैं जब इस बिजनेस को किसी के पास लेके जा रहा हूं तो मैं दो काम कर रहा हूं. एक तो मैं चाह रहा हूं कि वो मेरे साथ जुड़े बिजनेस में, दूसरा मैं साथ साथ एक पॉजिटिविटी भी लाने की कोशिश कर रहा हूं. मतलब उसका जो नैरेटिव है, उसका जो परसेप्शन है, वो भी मुझे चेंज करना है, उससे भी मुझे फायदा होगा, चाहे वो नहीं भी जुड़ेगा. रिपल इफेक्ट बोलते हैं उसको. कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव होगा, 10 लोग पॉजिटिव होंगे, चाहे वो जुड़ेंगे. जी बताइए अंकित. मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो क्यों नहीं वो प्रोडक्ट को क्यों नहीं लेता. देखो आप एक बात समझने, बेसिक चीज ये है कि जब कोई नया आता है ना एमवे बिजनेस में, तो उसे एमवे के प्रोडक्ट से प्यार तो होता है, आप समझो, क्योंकि उसका पहला एक्सपोजर है, उसे तो पता भी नहीं रेंज क्या है. तो वो प्रोडक्ट इसीलिए लेता है कि उसे बिजनेस करना है. अगर उसे बिजनेस समझ आए तो ही वो प्रोडक्ट लेता है ना. और अगर हम उसको ये कहते हैं कि अगर तुम प्रोडक्ट लोगे तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे बिजनेस बनाने के अंदर में, वरना आपका साइन अप है वो एक जस्ट अ साइन अप, उसके अंदर में कुछ भी नहीं होगा. तो मतलब वो अभी उसे बिजनेस समझ ही नहीं आया. इसका कहने का मेरे कहने का मतलब क्या, उसे ये समझ नहीं आया है कि भैया मैंने ज्वाइन तो करा है, मैं संभाल लूंगा, ये मेरी मदद करेंगे, मेरा नेटवर्क बनेगा और मेरी जिंदगी में कोई होप है. अभी उसको समझ ही नहीं आया साइन अप हो गया है, मैं कहां आ गया हूं, ये कौन सा बिजनेस है, मैं लूं या ना लूं, होगा क्या मेरे साथ. मतलब ही इज लीस्ट बॉदर्ड, नहीं लूंगा तो क्या हो जाएगा. उसको डर होना चाहिए भैया नहीं लूंगा ना तो ये मदद नहीं करेंगे, मेरा नेटवर्क नहीं बनेगा. मतलब बिजनेस समझ नहीं आया, इन शॉर्ट अधूरा प्लान है. मतलब उसे कच्चे एबीओ को साइन कर दिया आपने, उसे पहले ढंग से समझाना पड़ेगा ये एमवे बिजनेस है, इसमें तुम नए हो, ना प्रोडक्ट पता है ना कुछ पता है, मुझे सब पता है, मैं और मेरी टीम आपकी मदद तभी करेंगे जब आप ढंग से साइन अप करोगे. ढंग से साइन अप का मतलब साइन अप करो, 1500 का सामान लो, साइन अप खुद करो, अपनी मेहनत लगी है, उसने खुद करा साइन अप, उसके बाद अगर सामान नहीं लेता तो उसी की मेहनत खराब हुई है, खुद मेहनत मत करो, उससे बोलो साइन अप करो, प्रोडक्ट लो, जब प्रोडक्ट ले लोगे उसके बाद मैं आपको अपनी अपलाइन से मिलवाऊंगी जो आपके लिए ब्लूप्रिंट बनाएंगे और आपके आपका बिजनेस कैसे चलेगा, क्या आपको करना है क्या नहीं करना. ये एक यू हैव टू क्रिएट अ पुल फॉर योर अपलाइन. उसको लगना चाहिए यार 1500 का ऑर्डर यार कर दे यार, वो बंदा मिल जाए मेरे को, वो मेरे को बता दे कैसे करना है. और इसके लिए दो चीज जरूरी है, क्या करना है, मतलब उसकी जिंदगी में बहुत कुछ हो सकता है, प्लान में उसको क्लियर होना चाहिए. और दूसरी चीज ये क्लियर होनी चाहिए कि इनकी तो कोई अपलाइन है वो ये काम करा सकती है. तो यू हैव टू क्रिएट अ पुल. को ना कोई नहीं लेगा उसको, कोई प्यार थोड़े ना प्रोडक्ट से, अभी नहीं है, बिजनेस में आ जाएगा, यूज करेगा, हो जाएगा. तो ये एक रीजन हो सकता है, उसे पता ही उसने क्या खोया है, है ना. तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है. बाकी आप सर बिल्कुल बिल्कुल. प्रियंका सिंह, डॉक्टर प्रियंका सिंगल है, एक मिनट म्यूट कर देंगे उनको, फिर देन आई विल कम टू अजीत.
या डॉक्टर प्रियंका अनम्यूट नमस्कार नमस्कार सर, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। आई होप कि मैं एक एक पूछती जाऊं सर। लाइक फर्स्ट है कि व्हेन वी आस्क फॉर कि जब हम इतना आगे बढ़ते हैं कि उसको जूम तक की ऑफर देते हैं कि आपको जूम पे हम बात करेंगे, तो वो कहते हैं कि यही बताओ थोड़ा ब्रीफ में कि भाई क्या है, है ना, या फिर वो कहते हैं कि मैं अपना आप मुझे जो भी बताना चाहते हो आप एक पीपीटी शेयर कर दो मेरे ईमेल आईडी पे, तो इसका इसका क्या आंसर होना चाहिए, इस पे आगे बढ़ना चाहिए कि या फिर उनको वहीं स्टॉप कर देना चाहिए कि भाई नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं चाहूंगा कि दोनों जवाब देंगे इसमें, लेकिन मैं उससे पहले डॉक्टर प्रियंका बोलना चाहूंगा कि जो प्रोस्पेक्टिंग है ना, उस प्रोस्पेक्टिंग में अभी हमें और मेच्योर तरीके से लाना है। मतलब देखिए, फिर मैं बोल रहा हूँ, देखिए यदि उसको समझ में आ रहा है ना कि कोई उसके मतलब की चीज है, वो कभी नहीं बोलेगा आपको भी पीपीटी को, बस इतनी सी बात है। और बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, मेरे से भी बोला लोगों ने कि मुझे बता दो कुछ, कुछ भेज दो मेरे को, मैं पढ़ लूँ कुछ, सुन लूँ कुछ। लेकिन उसके पीछे रीजन वही होता है कि कहीं ना कहीं शायद हमने प्रोस्पेक्टिंग सही तरीके से नहीं की है। जी डॉक्टर मिश्रा या अंकित, कोई भी बोलना चाहे। सर ये बड़ा बहुत कॉमन है, दिस इज वेरी कॉमन, जब आप बात कर रहे होंगे तो खूब। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जब सर देखिए दिक्कत कहां पर आती है, जितने भी नए लोग इस बिजनेस में आते हैं ना, उनके साथ यही होता है, वो उनको वहां तक ला ही नहीं पाते कि कन्वर्सेशन हो सके। जी सर, तो मेरी एडवाइस ये है कि आपको रोकना है अपने आप को, आपका मन भी हो रहा हो बताने का तो नहीं बताना क्यों, और उससे कहना है कि देखो भाई अभी बताने से कोई फायदा नहीं है, आपके समझ में नहीं आएगा। अगर मैं अभी आपको कुछ बताती हूँ एक लाइन दो लाइन, तो यू विल नॉट बी एबल टू नो व्हाट इट इज। तो एक उसका प्रॉपर प्रोसीजर है, और अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो तो एक टाइम हम लोग फिक्स करेंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। वन हैज टू ऑलवेज रेजिस्ट दिस, क्योंकि जैसे ही आप बताएंगे वो क्या है, आप जान लो कि उसके बाद आने वाला है कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो आप क्यों अपने अपना जो सेल्फ इमेज है उसको क्यों आप खराब करना चाहते हो ना, बल्कि उसको जैसे बहुत शॉर्ट में रखना पड़ेगा, क्योंकि दो घंटे होने वाले, पौने दो घंटे होने वाले। राइट सर। तो अंकित ने जैसे बताया ना, अल्फा अल्फा आप समझती ना डॉक्टर प्रियंका, वो नहीं छोड़ना है। जैसे उसने कहा कि क्या है बताओ, आपने बताने लगे तो आप बीटा हो जाओ, बीटा नहीं बनना है, बस ये जान लो मोटा मोटा। अंकित, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? सर वो ऑब्वियसली वी कैन नॉट डिस्कस ओवर फोन, दैट्स ऑल। किस प्रोफाइल के लोगों को हमें कनेक्शन भेजने हैं, मतलब जब सर्च बटन पे हम जाए तो क्या टाइप करें कि बैंकर्स लिखे, मतलब क्या लिखना है? और वैसे जैसे क्रॉस जेंडर भी हम कनेक्शन दे दें कि आई बीइंग अ फीमेल मैं किसी मेल को कनेक्शन दूं, तो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। जी एनीबॉडी वांट्स टू आंसर? जी अंकित बोलिए। मैं ये बताऊंगा जो मैं करता हूँ। ठीक है, आप बताइए। जो मुझे प्रोफाइल देखते हैं लोगों की, जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसको कनेक्ट करने की भेजता हूँ। और तो आप भी ये देखिए, आप जैसे वहां पर लिंक्डइन में आपको वर्किंग वीमेन मिलेंगी ढेर सारी, तो आप वो भी डाल सकती हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। और आई मीन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग, यंग लोगों को भी जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं उनको भी आप डाल सकती हैं उसके अंदर। और बट जो अंत में जो आगे होना है वो ये होना है कि वो कनेक्शन जब स्टैब्लिश होगा, बातचीत होगी, तो एक्चुअली पता चलेगा। वो जितने सारे वहां पर ऑप्शन अवेलेबल है, आप कुछ भी डाल सकती हैं। और क्रॉस जेंडर की जहां बात है, मुझे लगता है कि लिंक्डइन में ये नहीं चलेगा। मैं तो खूब फीमेल से बात करता हूँ, एंड आई एडवाइज ऑल्सो कि आप वहां बात करें, बिकॉज वो बड़ा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन में मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी को कोई उल्टी सीधी पोस्ट डाल रहा हो, कुछ इस तरह की बात कर रहा हो। तो यू आर क्वाइट सेफ देयर, बिकॉज प्रोफेशनल लोग हैं वहां पर, और लिंक्डइन बड़ा स्ट्रिक्ट है इन सब मामलों में, वो तुरंत ही लोगों को डिलीट करता है। तो यू कैन फ्री टू टॉक टू मैन ऑल्सो, बट ये है कि आपको प्रोफेशनल रहना पड़ेगा। सर मेरे साथ थोड़ा सा यह है कि दो चीजें,
कि 30 to 40 years या 30 to 45 years चलता है मेरे लिए, मतलब ये 15 साल मैक्सिमम 50 तक ले लूंगा, 30 से कम मुश्किल मैं कनेक्ट करता हूँ लोगों के साथ में, क्योंकि मैच्योर लोगों से बात करने में आसान, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं जो मतलब स्ट्रिक्टली सजेस्ट करता हूँ वो मैन टू मैन प्रोस्पेक्टिंग, वुमेन टू वुमेन, उसका रीजन है मैंने बहुत सारी प्रोस्पेक्टिंग करी है, मतलब क्रॉस जेंडर, लेकिन उसके अंदर में पता नहीं लग पाता हमें कि इंटरेस्ट किस चीज में, तो इसीलिए वो, और वो बड़ा चैलेंजिंग है। पहले ही हमारा बिजनेस थोड़ा सा ये चैलेंजिंग है, हमें ये इसी बात के अंदर में हम नहीं निकल पाते कि आदमी करेगा कि नहीं करेगा, कर लिया तो क्या करेगा, उसमें अब ये एक और बात आ गई कि ये इंटरेस्ट कहाँ पे, तो इसीलिए ना वो और लिटिग्रिटीज पूरे ग्रुप की हमें ही देखनी होती है। एक्चुअली वो ग्रुप की एक छोटी सी कन्वर्सेशन भी वो पूरा एपिसोड बन के उसी में लगे रहते हैं हम महीनों तक, तो इसीलिए मैंने बोला मैं जो काट सकते हैं प्रॉब्लम चैलेंजेस वो काटो, विमेन टू विमेन, मैन टू मैन, उसके बाद में बिजनेस में आने के बाद में मेंटरशिप सबकी कर देंगे, वो बात अलग है, वो दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, कुछ भी गड़बड़ होती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, लेकिन वही वाली बात है, वट एवर वर्क फॉर एवरीबडी दैट इज द बेस्ट थिंग, ये मैं अपनी सोच बताएंगे। ये चैलेंज अंकित के साथ है सर, हमारे साथ नहीं है नहीं इस मामले में नहीं, ठीक है। देखिए मुझे मुझे क्या लगता है टू स्टार्ट विद, लेट्स गो विद अंकित पे स्टार्ट विद, है ना, जैसे जैसे आप प्रोफेशनल हो जाएंगे आपको पता चलता रहेगा, फिर हल्की हल्की करके, है ना, क्योंकि देखिए नेचुरली कंफर्टेबल, मैं वैसे ही बोलूंगा डॉक्टर प्रियंका, ज्यादा कंफर्टेबल हम लोग सेम जेंडर में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं हम ना, सब कुछ हमारे हाथ में, देखिए कन्वर्सेशन शुरू हम करना चाह रहे हैं ना, तो जैसे डॉक्टर मिश्रा ने बोला कि वी कैन चेक द प्रोफाइल, उससे पता चल सकता है हम लोगों को क्या है, और फिर मैं बोल रहा हूँ देखो कि शुरू जहां से करोगे खत्म कुछ और होगा, ये सबका लिंक्डइन अलग अलग होगा, सबके नेटवर्क में अलग अलग तरह के लोग होंगे, बट आपके दिमाग में एक दो चीज, जैसे कितने एक चीज फिक्स कर रखी है कि 30 से छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिक्कत क्या होती है 30 से कम में वो डिसीजन लेने वाला ही नहीं होता, तो मैं जाऊं ही क्यों वहां पर, मेरी मजबूरी तो नहीं है ना कुछ भी मेरे पास, है ना, तो वहां पर मैं चूज करूं कि कौन, 30 से ऊपर वाले में क्या होता है, कहीं ना कहीं उसे जिंदगी पता चल चुकी होती है, थोड़ा टफ दिख चुका होता है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां आ चुकी होती हैं, डिसीजन खुद ले रहा होता है, थोड़ा आसान है, यू नो, तो ये सब चीजें अपने हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। तो डॉक्टर प्रियंका नेक्स्ट अभी एक ना हमने फॉलो अप सेशन एक और रखेंगे 10-15 दिन के बाद, तो मेरे ख्याल से लेट्स गो टू अजीत, अजीत को अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सर मेरे थे तो 3-4 क्वेश्चन, अगर हो सकते आंसर नहीं तो फिर फॉलो अप में ले लूंगा। पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक बात नहीं हुई है, ये तो उससे अलग है, आप पूछिए कुछ आप पूछिए कोई दिक्कत। हाँ मेरे को सारे ही उससे अलग है। एक तो मेरे को ये पूछना था कि जब प्रोफाइल हम बनाते हैं तो एक वर्किंग प्रोफेशनल का प्रोफाइल तो इजिली बन जाता है, तो एक हाउसवाइफ, जो कि बहुत सारे हाउसवाइफ्स हैं जो कि इस बिजनेस को कर रही हैं, हाउ शुड अ प्रोफाइल ऑफ ए हाउसवाइफ शुड लुक लाइक ऑन लिंक्डइन, उनका प्रोफाइल किस तरीके से होना चाहिए? अंकित बताओ यार, सोचो तुम्हारे प्रोस्पेक्ट है कोई, तुम्हारे डाउनलाइन है वो हाउसवाइफ है, वो बोल रही है कि मेरा बनाओ भैया, कैसे बनाएंगे, क्या आपको है कुछ बोलने के लिए इसमें? एक्चुअली क्या है, ऐसा कभी सोचा नहीं, लेकिन मैं ये बता दूं आप कैसे बना सकते हो, उनका भी प्रोफाइल बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएशन, उन्होंने ग्रेजुएशन करी है ना, तो उसके अंदर में आप लिख सकते हो कि ग्रेजुएशन जहां से भी करी है, कि आई हैव माय नेम इज दिस, डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस प्लेस, एंड आई वाज ऑलवेज वांटेड टू बी अ हाउसवाइफ बिकॉज आई रियली चेरिश द लाइफ एंड आई ऑलवेज लव टू बी अ फैमिली पर्सन, बट स्टिल आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड डूइंग टू थिंग्स व्हिच आई लव, वन इज लुकिंग टेकिंग केयर ऑफ माय फैमिली एंड द अदर इज मेकिंग माय ओन व्हाट यू से क्या कहते हैं उसको, पहचान को क्या बोलते हैं, माय ओन आइडेंटिटी थ्रू अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी which I actually got from one of my very successful friend. तो ये एक तरीके से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जहाँ पे उन्होंने she is very proud that she is a housewife and she is a housewife just because she chose to be a housewife. When you choose to be a housewife,
by your own decision, it's a proud thing. You got my point? So it is not that she cannot do anything, but by her own will, she is a housewife and looking after her family, she is still doing something great, which actually one of her friend told her. So she is looking for some people, she is looking for some ladies, she is looking for some housewives who are equally interested in looking after their families as want to create their own identity. So ye ek pura message hai, iska ek profile bana sakte, ye spontaneous maine bola, lekin there is always something good which we can actually put down in our profile. सर वेरी क्विकली दो तीन क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, अगर क्विकली थोड़ा सा हिंट भी मिल जाए। बोलिए 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 बोलिए। एक तो दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि जब जैसे अंकित जी ने बताया कि ऑब्वियसली वी कैन नॉट डिस्कस बिजनेस ऑन फोन और ऑन चैट है ना, तो वी शुड मीट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वहां पे बहुत सारे लोगों का एक जवाब आता है जो स्ट्रेट अवे पूछते हैं कि इज इट MLM और नेटवर्क मार्केटिंग, वहां पे क्या जवाब देना चाहिए? इसका जवाब ऐसे दे चुके हैं हम लोग, लेकिन अंकित क्या बोलना? देखो सर, दो तीन चीजें इसके अंदर में। एक तो ये कि अगर वो ऐसा कुछ बोलते हैं आप छोड़ सकते हो, तो उससे जो पहला क्वेश्चन ही यही था है ना, क्योंकि ये आप जैसे कर रहे हो ये काम, आप चेक करके देख लो, अगर आपने 100 लोग से कन्वर्सेशन है, 5 से ज्यादा ने नहीं पूछा होगा। ये वो 5 है जिन्होंने सारी नेटवर्क मार्केटिंग करी है दुनिया की, और अब वो अपना टाइम पास कर रहे हैं आपसे पूछ के कि देखो मैंने इनको पकड़ लिया, अजीत जी को, वो वही उनकी खुशी है, देखा पकड़ा गया बस। इसीलिए या तो छोड़ दो या फिर उसमें लिखो डू यू लव नेटवर्क मार्केटिंग एंड लेट्स सी द रिस्पांस। ही सेड नो, उससे बोलो कोई बात नहीं, ही सेड यस, तो ठीक है। तो मैं यह ना कहना चाह रहा हूं कि हम लोग जितना टाइम उसके साथ उसे कन्विंस करने में लगाएंगे, वो 95 लोग भी थे, उन्होंने क्या करा, उनको ढूंढ दे, छोड़ दो इनको, ये वो वाले सारी कर रखी है उन्होंने सारी है ना, छोड़ दो। आप डेली 100 लोगों को आप भेजो कनेक्शन, तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप लोगों ने पेड, क्योंकि नलिन सर तो मना किया कि उन्होंने पेड अभी लिया नहीं है लिंक्डइन, क्या आपने पेड लिया है? क्योंकि मैं जब कनेक्शन कह रहा हूँ देन वीकली मेरे पास 70-75 लोगों का जो है एक लिमिट आ गया है, I cannot connect more than 70-75 people weekly. तो क्या मेरा profile इस तरीके से कुछ है या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ कि मैं उतने लोगों को connect नहीं कर पा रहा हूँ? पहला question ये था, और दूसरा question मेरा इसी से संबंधित है कि prospecting और plan दिखाने के साथ साथ क्या उसके बाद हम LinkedIn को use कर सकते हैं अपने product को move करने के लिए? अगर हाँ तो कैसे? इन दोनों सवालों का जवाब। जी जी जी, या तो आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो या आप प्रोडक्ट मूव कर सकते हो, आप दोनों काम नहीं कर सकते। या तो आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो या प्रोडक्ट मूव कर सकते हो, दोनों काम नहीं कर सकते, तो आप चूज करो क्या करना है। मेरे हिसाब से प्रोडक्ट रहने दो, प्रोडक्ट नहीं मूव करते वहां पे, देर आर अदर प्लेसेस, और बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं मूव करने आपको, आप समझो बात को, लेकिन बहुत सारे लोग चाहिए अपने, तो यू चूज, इट्स अ वाइड डिसीजन कि आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए यूज करो इसको है ना। और दूसरा, इससे पहले वाला जो आपका क्वेश्चन था कि सॉरी क्या था, वो ये था कि जैसे आप लोग कहते हो कि डेली 100 लोगों को कनेक्शन, उस केस के अंदर में क्या है, जैसे जैसे आपके लोग बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे आपकी लिमिट बढ़ेगी, आपको ना ये क्या नाम है लिंक्डइन ब्लॉक कर देगा, लेकिन वो ना थोड़े टाइम बाद, जैसे जैसे एक्चुअली आप होता क्या लिंक्डइन का सिस्टम, आपने 50 रिक्वेस्ट भेजी, अगर आपकी एक्सेप्ट नहीं हुई तो आप ब्लॉक्ड हो, लेकिन अगर 50 की 50 एक्सेप्ट होगी तो 50 फिर खुल जाएगी, कोटे की तरह होता है। तो अगर आपकी 70 भी है, आप उसी को लो, मतलब वो आप डिस्कस करो अपने अप्लाइंस से, मेरे हिसाब से तो पेड की जरूरत नहीं। नहीं राइट, नहीं मेरा पहले तो लिमिट था कि मैं डेली 80-90-100 को भी भेजता था, जाते थे, बट जैसे ही मेरा कनेक्शन 2500-3000 के आसपास पहुंचा, और वहां पे क्या हुआ कि मेरा अब ब्लॉक आ गया है, अब लिंक्डइन में मोर देन 70-75 पीपल वीकली वो कर दिए हैं, अब वीकली उतने लोगों को ही, उतने लोग कम नहीं होते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट जैसे आप लोग कह रहे हो कितने लोगों को कनेक्शन आप भेज रहे हो, तो क्या मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कुछ ऐसा? अजीत नहीं नहीं नहीं, वो अपने आप ओपन हो जाएगा, वो अपने आप ओपन हो जाएगा, अजीत अपने आप हो जाएगा। ये रेखा सोनी जी, इन्होंने लिखा है चैट में, इवन ऑन पेड लिंक्डइन देयर इज वीकली लिमिट्स ऑन सेंडिंग कनेक्शन, इसका मतलब सीधा सा मतलब यही है कि ऑटोमेटिक ही पड़ती रहेगी इसमें हम लोग,
सर एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, मेन उससे हम भटक रहे हैं, लिंक्डइन पर अगर आपने एक प्रोफाइल बनाई है और आप उस प्रोफाइल को ऐसा बना रहे हो कि अट्रैक्टिव हो रही है तो ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक स्टेज ऐसी आती है कि लोग आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो वन शुड ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग दैट स्टेज कि पीपल आर कनेक्टिंग यू, क्योंकि फिर तो आप 100-150 मैसेज रोज भेजते जाओगे ये कब तक चलेगा? कुछ वहां पर ठीक है, वाइस वर्सा हो जाएगा। अजीत एक काम करना आप ना, कल डॉक्टर मिश्रा से एक बार बात करके हम लोग प्रोफाइल को कैसे थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं वो करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, देयर इज साक्षी गुप्ता, या कैन यू अनम्यूट आनंद साक्षी जी का लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर देन वील कीप अ फॉलो अप सेशन आफ्टर 15 डेज, उसमें फिर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हुआ है, किस तरह से हुआ क्या। जी 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 साक्षी। Hello, hello sir. Thank you so much, Alok sir, Nalin sir, and Ankit sir for such great insights. Already मेरे बहुत सारे questions हैं, but वो answer हो गए। But last question है simple sir, कि बहुत सारे women entrepreneurs से हम उसमें मिलते हैं, उनके profile पे होता है that assistant at Forever Living Products. तो उनको approach, we should approach them क्योंकि already they are in another network marketing business via LinkedIn only I'm talking about. Can I answer this question है ना? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हमको। देखिए आप जो पहले सबसे पहले डॉक्टर मिश्रा ने आपको बताया ना, यदि आपने ये लिखा हुआ है किसी ने एमवे फॉरएवर लिविंग, फिर हमें जरूरत ही नहीं है उनको अप्रोच करने की। बहुत लोग हैं, बहुत आप यकीन मानिए जितने लोग आपसे कनेक्ट भी हो जाएंगे ना उसमें से भी जैसा कितने बताया ना 5% लोग आपको शुरू में ही रिजेक्ट कर देने। हमें किसी को कन्विंस करने की कोशिश नहीं करनी है वहां पर, हमें वी आर लुकिंग फॉर पीपल दोज हु आर लुकिंग फॉर अस, सिंपल सी चीज। यदि वो मैच मेकिंग होती है वहां पर तो आगे बात चलेगी, नहीं तो और किसी भी लेवल पे बात छूट सकती है ना। कोई लोग पहले कन्वर्सेशन में बाहर हो जाएंगे, कोई दूसरी में, कोई तीसरी में, कोई आखिरी में। बट मैं ये जरूर बोलूंगा, जैसे मंजू जी की भी बात हो रही थी उस टाइम पे, कि हम लोग ये जरूर कोशिश करें कि जब जैसे अंकित ने बोला कि मेरे को मैं अपलाइन से तब मिलवाऊंगा, है ना, तो मंजू जी के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि हम दो अपलाइन रख सकते हैं। एक अपलाइन वो जिसको मेरे को जुड़ने के बाद मिलवाना है, लेकिन हम एक अपलाइन वो भी रख सकते हैं और वो सेम भी हो सकती है अपलाइन हमारी, और अलग भी हो सकती है कि हम उनको बोलेंगे कि देखो यहां तक तो मैं थी, अब आगे कैसे करना है ये बताएंगे। तो वहां पर वो अपलाइन बताएंगे कि भाई अभी ये करोगे तभी ज्वाइनिंग होगी आपकी। क्योंकि बहुत बार ना हम लोग जो शुरू करता है इस कन्वर्सेशन को, बहुत बार वो बता नहीं पाता, हो सकता है इतना कुछ उनको बोल चुका होता है या ऐसा लग रहा होता है कि इनको भी जरूरत है, तो वहां पर जाके हम लोग स्ट्रिक्ट नहीं हो पाते, है ना। तो हम क्या करेंगे वहां पर किसी और अपलाइन को पाते, ये हमने देखा था अपनी कन्वर्सेशन में, हमने देखा था, इसीलिए हमने बताया ना कितने कई कई ग्रुप में ये बोला कि इसके बाद आप मेरे को दे दो, है ना। या तो ऐसा करके कर सकते हैं। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा हमको, एक तरीका बनाना पड़ेगा हमको कि कैसे कर। देखो पहली चीज, हम किसी से कुछ मांग नहीं रहे, किसी को धोखा नहीं दे रहे, है ना, हमारी इंटेंशन क्लियर। हमें एक चीज और जाननी चाहिए कि जब 23-24-25 साल पुराना बिजनेस हो जाता है तो उसके साथ में कई ऐसी चीजें भी होती हैं जो हम जैसे लोगों ने की होती है लेकिन गलत होती है, तो वो लोग भी गलत नहीं है, पहली चीज ये। बट हमारे पास जो है वो हम उनको ऑफर कर रहे हैं और वो विन विन है। यस राइट, सो इट वाज फैंटास्टिक टॉकिंग टू अंकित एंड डॉक्टर मिश्रा, और मुझे लगा सबने एंजॉय किया, 2 घंटा पता नहीं चला। बस मैं क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए 2-2 मिनट के लिए मैं चाहूंगा एक एक करके, डॉक्टर नलिन मिश्रा और एक बार अंकित, क्लोजिंग रिमार्क्स जो भी कुछ भी बोलना चाहता है इसके बारे में। जी लेट्स स्टार्ट विद अंकित एंड देन क्लोज करेंगे डॉक्टर मिश्रा से। जी अंकित, लास्ट फ्यू वर्ड्स। मैं सिर्फ आप सबको यही बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत बार जो मैक्सिमम डिफरेंस होता है ना वो हमारे अंदर ही होता है जब हम प्लान दिखाने होते हैं, क्योंकि दुनिया में वो आलोक जी ने एक बार बोला था, मैंने ऐसा पागल नहीं देखा जो नोट फाड़ता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो इसका मतलब एवरीबडी वांट्स टाइम मनी एंड फ्रीडम एवरीथिंग, लेकिन ना हमें कहीं ना कहीं जब हम जाते हैं और जब हम कन्वर्स करते हैं ना, बातचीत करते हैं किसी से, तो हमें ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेंसी इतनी हाई रखनी पड़ती है विद ऑल द पॉस्चर एंड अल्फा फ्रेम। व्हेन आवर एक्सपेक्टेंसी इज हाई, हमारे एक्शंस और क्वेश्चंस बदल जाते हैं और सामने वाले का रिस्पॉन्स बदल जाता है। तो बहुत सारी एक्सपेक्टेंसी के साथ में, बहुत सारी तैयारी के साथ, व्हेन टॉक टू पीपल, पीपल कन्वर्ट। कम एक्सपेक्टेंसी के साथ में कि बस किसी तरीके से ये वाला आ जाए, बस किसी तरीके से ये आ जाए, वहां बात खारी खत्म हो जाती है। इट इज ऑल अबाउट आर एक्सपेक्टेंसी, इज इट हाई, इट इज लो। कई बार हम जाते हैं कि बस आज तो
दिखा दिखोगे प्लान और बस ये इस साल तो करना है अपना बोल किसी भी तरीके से, तो वो कॉन्फिडेंस, वो एनर्जी, वो वर्ड्स, वो सब मैजिकल है ना। और कई बार हम सोचते हैं बस आज का एक प्लान करना, आज तो कर ही लेते हैं, प्लान खत्म हो तो फिर मैं जाऊं, ये प्लान खत्म होता है मैं खाना खाऊं। तो बस मेरे कहने का मतलब ये है, ये सारी चीजें आपके लिए काम करेंगी विद हाई एक्सपेक्टेंसी और भयंकर एक्साइटमेंट के साथ। सो आप ऐसा कोशिश करके देखिए, यू विल लव इट। थैंक यू सो मच। बैक टू डॉक्टर मिश्रा। सर मुझे लगता है कि सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो है कि आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो हाई होना चाहिए। यू हैव गॉट सच अ ग्रेट बिजनेस, आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये है कि यू शुड लुक लाइक अ कॉन्फिडेंट पर्सन हु इज हैप्पी अबाउट हैविंग दिस बिजनेस जो आप ऑफर कर रहे हो। और अगर आप ये कहीं पर कमी महसूस होती है तो इमीडिएटली आपको अपने अपलाइन को साथ में लेना चाहिए, बिकॉज एक वहां पर वो क्या कहते हैं पीटीएबल पिक्चर बना के आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर सकते। यार मैं तो ढूंढ रहा हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे लोग नहीं मिल रहे, मतलब ये नहीं हो सकता सर। वहां आपको यू हैव टू बी अ कॉन्फिडेंट पर्सन जिसको मालूम है। और एक चीज का कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए कि पीपल आर लुकिंग फॉर पीपल हु कैन लीड देम टू सक्सेस। बहुत सारे लोग अपने आप नहीं कर पाते, उनको ढूंढ रहे हैं लीडर ढूंढ रहे हैं कि कोई आए मुझे निकाले और जिंदगी मेरी बेहतर बनाए। तो ये सब चीजें, ये सब आइडियाज हमारे दिमाग में होंगे, ये कॉन्फिडेंस हमारे दिमाग में होगा तो हम अपने आप वहां पर अच्छा करेंगे। अगर हम वहां ये सोच से गए जैसे अभी अंकित ने कहा ना कि यार कोई मिल जाए, यार कोई मिल जाए, तो वो फिर वो काम नहीं करता वहां पर, फिर तो आप वहां धक्के खाते रहोगे और कुछ होगा नहीं। वो उसने पूछा आप कितने पैसे कमा रहे हो, बोला तुम जुड़ोगे तभी तो कमाऊंगा पैसे। ये नहीं होगा तो फिर कोई नहीं आएगा। नहीं बिल्कुल, देखिए मजा आया बिल्कुल। देखिए मैं सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ, हम तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आप सोच के देखो, आपके पास 1 करोड़ रुपए है और वो 1 करोड़ रुपए दे रहे हो किसी को, तभी भी नहीं लेंगे लोग। मैं बताता हूँ एक सिनेरियो, आप बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, पहले भी सुना होगा आप लोगों ने, कि एक आदमी भाग के आया कहीं और किसी बाइक में और एक पैसों का बैग लेके, और बाइक गिरी आपके बगल में, उसके बाद उसने आपके हाथ में पकड़ाया और पीछे देखते हुए और फिर भाग गया नंगे पांव बाइक छोड़ के। और आप खोल के देखोगे पैसे ही पैसे हैं उसमें, रख लोगे क्या या तुरंत फेंकोगे? पहले ये सोचोगे पता नहीं किसके चोरी करके लेके आ रहा है, पुलिस पीछे पड़ी है, गुंडे पीछे पड़े हैं, कुछ ना कुछ, मानते हो कि नहीं मानते? तो आपको ये समझना पड़ेगा जब ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो हम वैसे तो नहीं दिख रहे हैं भाई इसको, है ना। यहां तो सब कुछ प्रॉमिस है खाली, एक्चुअली में हम कुछ भी नहीं दे रहे, तो क्यों नहीं डरेगा वो, बताओ ना जरा मुझे। जब वो रियल पैसे लेने में सबको जरूरत है फिर भी डरता है, है ना। तो मैं सिर्फ देखिए एग्जांपल थोड़ा सा जरूर ऑड था लेकिन याद रहने वाली चीज है ना। तो मैं जरूर बोलूंगा दोस्तों, देखिए लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन लिंक्डइन, है ना, शुरू कीजिए कहीं से। दूसरी चीज, ऑलवेज टॉक अबाउट वी, ऑलवेज टॉक अबाउट द टीम, ऑलवेज टॉक अबाउट द कम्युनिटी, ऑलवेज टॉक अबाउट योर अपलाइंस। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, अकेले मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अंकित भी अकेले कुछ नहीं कर सकता, डॉक्टर मिश्रा भी अकेले कुछ नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति एक आदमी के साथ जुड़ना नहीं चाहेगा, वो हमेशा टीम के साथ सेफ महसूस करता है, उसको लगता है हाँ यार तो ग्रुप में कहीं जाना हो कितना आसान होता है ग्रुप में जाना, सोचिए, है ना। अकेले के साथ में तो हमेशा डर लगता है कि नहीं लगता है? तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि देखिए जानना काफी नहीं है, इट इज नॉट इनफ टू नो, है ना, वी मस्ट अप्लाई, है ना। यदि आज आप अटके हुए हैं तो इसलिए नहीं अटके हुए हैं कि आज प्रोस्पेक्टिंग नहीं हो रही है या लिंक्डइन नहीं आता है, उसके पीछे कोई और कारण भी है, लेट्स वर्क ऑन दैट ऑल्सो। ये तो एक पार्ट है हमारा, है ना। और मैं ज्यादातर लोगों को बोलूंगा दोस्तों कि सोशल नेटवर्क के थ्रू प्रोस्पेक्टिंग आप साथ साथ जरूर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने जो फ्रेंड नेबर रिलेटिव और जो फोन बुक में आपके नंबर है उनसे शुरू कीजिए, उसके बाद वहां पर, राइट। सो इट वॉज नाइस इंटरेक्टिंग रियली फ्रेंड्स, मतलब लग ही नहीं रहा है कि 2 घंटे 4 मिनट हम लोगों को हो गए और कितने सारे लोग हम लोग अभी जुड़े हुए हैं। इट इज जस्ट अ बिगिनिंग, है ना। हम में से बहुत सारे लोग हैं, हम लोग पर्सनली अंकित को, डॉक्टर नलिन को, पर्सनली मेरे को कई लोग मिलने वाले हैं हम लोग फैमिली रियूनियन में, है ना। और मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोगों ने बुक करा लिया है, बट स्टिल देर आर 15 रूम्स अवेलेबल, आप अपनी अप्लाइंस से बात कीजिए। किसी चीज की कमी है, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, आप उनसे बात कीजिए, थोड़े थोड़े करके दे देना कुछ भी करके। मैं फिर बता रहा हूँ दोस्तों, इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा, वहां पर नारंगजी मिलने वाले हैं, वहां पर 4-5 डायमंड और मिलने वाले हैं, है ना। 3 दिन मस्ती करेंगे, खूब बातें होंगी, है ना। नेक्स्ट डे लंच के बाद फ्री है हम लोगों का, हम लोगों ने काउंसलिंग करनी है एक दूसरे के साथ, है ना। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों से मिलने के लिए, है ना। तो यदि आप लोग भी एक्साइटेड हैं तो प्लीज 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 बुक इट बिफोर वो खत्म हो जाए सब कुछ जो है, राइट। सो गुड नाइट फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से आनंद को बोलता हूँ, आनंद ने शुरू किया था, आनंद ही क्लोज भी करेंगे इसको।
Thank you, Anand. Wow, it was such an amazing session, sir. Thank you. आप तीनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. This was much awaited. और आज इस सेशन के बाद लग रहा है, रिक्वेस्ट यू कि प्लीज ऐसे सेशन मंथ में कम से कम एक तो प्लीज किया करिए. बिकॉज कई सारी चीजें मैं भी कर रहा था. आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन लिंक्डइन और नलिन सर को पता है उसके बारे में. बहुत सारी बातें जो आप लोगों ने करी, इट इज गोइंग टू हेल्प मी इन विद दैट एंड इट वॉज एब्सोल्युटली वंडरफुल. मैंने कुछ नोट्स तो बनाए हैं अपनी, जस्ट टू जॉग.